Welcome to Alan. Alan is here to guide you on your special journey. Whether you're in class six to tenth or preparing for exams like NEET and JEE, Alan is your expert companion. Our online programs are designed just for you, with excellent teachers, study materials, and support for both students and parents. We use advanced technology to make learning enjoyable. Have questions? No worries. Alan assists you with doubts on the app and in live classes too. You can talk to teachers, ask questions, and understand every concept easily. Imagine having your own quizzes to practice any topic you want. We also have a special place to show you all your mistakes so you can practice and avoid them in the exam. And guess what? We'll help you create a study plan. Our experienced teachers will guide you and you can join group sessions to learn how to manage your time better. It'll help you with homework, revision, and catching up on anything you've missed. So, students and parents, are you excited for this amazing journey with Alan? हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टू ऑल और आज हम करेंगे डे ट्वेंटी सिक्स स्टार्ट ऑफ द एन सी आर टी एक्सकर्जन सीरीज़ और हमारा चैप्टर चल रहा था एवोल्यूशन हाँ जी हेलो सर गुड इवनिंग खम्मा घनी क्या बात है आज अलग अलग तरह के विशेष बड़े एक्साइटेड हैं बच्चे अनसा अजीज़ एज अजीज, यूजल अजीज, अजीज, प्रिंस अरविंद क्षितिज युवराज कुछ नए नाम भी आज दिख रहे हैं आकृति अस्मिता पंखुड़ी साक्षी अनु तो चलिए हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन को जो हमारा बचा हुआ पार्ट था हम बात कर रहे थे कल एविडेंसेज की और हम कल हमने क्या कंप्लीट किया था कल हमने देखा था एविडेंसेस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी फॉसिल्स की हमने बात की तो आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी और एनाटोमिकली किस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन हमारा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां पे देख रहे हैं एविडेंसेज फ्रॉम कंपेरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटोमी मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल अपीरियंस हाँ बेटा राम राम जी पैलेंटोलॉजी जी हाँ बिल्कुल हमने पैलेंटोलॉजी की बात की थी तो मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटिनल एक्सटर्नल अपीयरेंस और एनाटॉमी मतलब इंटरनली जो उनके स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात की जाए अगर उनको हम कंपेयर करें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को तो क्या हम कुछ ऐसा प्रूफ निकाल सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ होगा क्या उनमें कुछ कॉमन एंसेस्ट्री है कुछ रिलेशन है क्या रिलेटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले इस टॉपिक में और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर बार एक नया क्वेश्चन यहां से आपको मिल ही जाता है इस पार्ट से सो लेट्स सी जी हाँ, तो हम लोग यहां बात कर रहे हैं इसके बारे में तो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस आर फाउंड अमंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ टुडे एंड दोस एग्जिस्टेड दोस दैट एग्जिस्टेड इयर्स एगो जो बहुत सालों पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे जो एक्सटेंट हो चुके हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं पुराने एनिमल्स uh, के बारे में तो क्या उनमें कुछ सिमिलरिटी है और अगर कोई सिमिलरिटी हमें मिलती है तो हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ इवोल्यूशन होता चला गया कुछ सिमिलरिटीज एंड कुछ डिफरेंसिस इनका कॉम्बिनेशन अरे वर्षा बिल्कुल खम्मा घनी ही को तो किया था बेटा मैंने ठीक है ना वर्षा खम्मा घनी आप ही को तो, तो रिप्लाई किया था मायरा नाम राशो है तो भैया मुझे क्या पता प्रिंस कि आप राशो हैं या मायरा हैं ठीक है ना जो नाम देखेगा वही बोलेंगे ठीक है हाँ अब खुश वर्षा तो चलिए हम बात करते हैं आगे क्या सिमिलरिटी रही होंगी हम हुँ लोग डिस्कस करें दीज सिमिलरिटीज आर ऑफ टू टाइप्स दो तरह की सिमिलरिटी पर बात कर सकते हैं होमोलॉजी एंड एनोलॉजी वेरी गुड वर्षा होमोलॉजी एंड एनोलॉजी होमोलोगस और ये वर्ड आपने सुना होगा अब हम लोग इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि एनसेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यहां पर डिफरेंसेस हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर होमोलॉजी के बारे में तो देखिए इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री इनके जो पूर्वज थे वो एक जैसे थे जबकि एनोलॉजी में क्या हो रहा है डजेंट इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री यहां पर इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन नहीं है डिफरेंट हैं नेक्स्ट पॉइंट बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और यहां पर एनोलॉजी की बात करें तो बेस्ड ऑन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ये सब टर्म्स लोग यहां पर हम लोग डिस्कस करते जाएंगे वन बाय वन ये कन्वर्जेंट क्या है डाइवर्जेंट क्या है ये सब चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बट यू हैव टू वेट फॉर दैट पार्ट सो कॉमन एंसेस्ट्री तो यहां पर हो रहा है डायवर्जेंट और जब कॉमन एंसेस्ट्री यहां पर नहीं है तो यहां पर हो रहा है कन्वर्जेंट एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लाइव एग्जाम्पल लाइव क्लास में लाइव एग्जाम्पल अभी आप लोग डिफरेंट डिफरेंट रीजन से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से पढ़ रहे हैं एक ही जगह पर एलन डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर तो क्या बोला जाएगा इसे क्या हम लोग इसे कन्वर्जेंट बोलेंगे है ना आपकी फैमिली आपके जो बिलीव हैं वो सब डिफरेंट हैं पर अभी आपका पर्पज एक हो चुका है और पर्पज जब आपका एक हुआ है तो यानी आप लोग क्या होगा इस टाइम पर कन्वर्ज हो चुके हो बेटा एनसीआरटी पढ़ते हैं उसी में आप नोट्स ऐड करते हैं ठीक है वर्षा हाँ तो आप क्या है? इस टाइम पर कन्वर्ज हो चुके हो पर इसके बाद जब आप यहां पर पढ़ लेंगे इवोल्यूशन सारे चैप्टर्स कवर कर लेंगे बायोफेस्ट जब आप कंप्लीट कर लेंगे आप एग्जाम देंगे और बन जाएंगे डॉक्टर्स या और नो डॉक्टर्स बनेंगे और अलग अलग मेडिकल कॉलेज में जाएंगे कोई एम्स में जा रहा है कोई कहीं और जा रहा है कोई कहीं और जा रहा है तो क्या हो जाएगा आपका तब आपका हो जाएगा डाइवर्जेंस तब क्या बोलोगे आप लोग हम सब आए हैं एलन डिजिटल से और yes नो हम सब आए कहां से एलन डिजिटल से कॉमन प्लेटफॉर्म पर हमने प्रिपरेशन की थी और अब हम लोग डाइवर्ज हो चुके हैं या नो बेटा पढ़ते जाओ सीखते जाओ सब समझ आएगा ना तो पहले क्या हो रहा है डाइवर्जेंस हो जाएगा और डाइवर्जेंस मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो बेसिक आइडिया हम लोग यहां पर लेके चल रहे हैं और कन्वर्जेंस मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट डिफरें जगह से आए एक जगह पर पहुंचे है ना अब हम इसको ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से बात करें ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से अगर बात करें एक एनवायरमेंट में एनिमल्स के बारे में प्लांट्स के बारे में तो जब एक कॉमन एनवायरमेंट में एक बड़ी पॉपुलेशन से कुछ एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जाते हैं अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है है ना किसी को यहां पर क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि सर गए क्यों एक कॉमन जगह से वो अलग अलग जगह पर क्यों गए क्यों लक्ष्मी क्या आंसर होगा इसका सिलेक्शन कितने नंबर पर होगा बेटा ये सब बाद में बात करेंगे ठीक है ना मायरा सो so, क्या आंसर होगा आपका हा तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं डायवर्जेंस क्यों किया जाएगा बिकॉज एक पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है रिसोर्सेज का लिमिटेशन लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और जब वो रिसोर्स लिमिटेड होते चले जाएंगे तो क्या होगा उस केस में उन्हें उस एरिया को छोड़ना होता है और जब वो एरिया वहां पर छोड़ेंगे लीव करेंगे नए एरिया में जाएंगे अपने सर्वाइवल के लिए तो दे हैव टू फेस डिफरेंट एनवायरमेंट डिफरेंट हैबिटेट्स दे हैव टू अडेप्टैम समझ में आई बात गए क्यों क्या रीजन रहा तो ये रीजन रहा और उससे क्या हुआ कॉमन एनसेस्ट्री होती थी एक ही जगह पर थे एक जैसा हैबिटेट था एक जैसा टेम्परेचर था एक जैसा वेजिटेशन था जब वहां से चले तो डायवर्ट हो गए डिफरेंट 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 तरह के एनिमल्स बनते चले गए और कुछ एनिमल्स क्या कर रहे हैं कुछ एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट जगह से चले और आ गए एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर एक कॉमन जगह पर आ गए तो क्या बोलेंगे ऐसे इसे हम बोलेंगे कन्वर्जेंट सिंपल सी बात ठीक है बेटा युवराज आपका फिर से सेम क्वेश्चन ये आप बाद में बात कर सकते हैं ठीक है ना चैट पे आप डाल सकते हैं आपको आंसर मिल जाएगा ओके अरे भैया नाम क्यों बदलते जा रहे हैं अच्छा मायरा नाम ओके ठीक है प्रिंस सो आगे बढ़ते हम लोग समझते हैं अब होमोलॉजी के बारे में बात करें वन टू वन हमने जो भी बेसिक लाइंस पढ़ी ये आपको और ज्यादा अच्छे समझ में आती जाएंगी तो सबसे पहले बात कर रहे हैं होमोलॉजी में क्या होगा होमोलोगस ऑर्गन्स आर सिमिलर यहां पर ये यह ऑर्गन सिमिलर हो जाते हैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर है देखिए ऑरिजिन में एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट में और फंडामेंटल स्ट्रक्चर में यहां पर ये यह सिमिलर हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये तीनों फैक्टर्स आपको माइंड में रखने पड़ेंगे जब आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो गलती के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे तो अगेन मैं रिवाइज कर रहा हूं जब हम होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करते हैं तो उनका ऑरिजिन सेम होगा एमरोनिक डेवलपमेंट सेम होगा है ना सिमिलर और फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी उनके सेम होंगे नो प्रॉब्लम बेटा नीट एस्परेंट ओके क्रिस्टल क्लियर ओके बट सर अगर सब कुछ सेम है तो डिफरेंट क्या होगा यस एनी वन वॉन्ट टू आंसर अगर सब कुछ सेम है तो फिर डिफरेंट क्या, yes, तो क्या होगा अच्छा रोशनी बोला जाए <laughs> ओके 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 डिफरेंट क्या होगा ऑरिजिन सेम स्ट्रक्चर सेम तो डिफरेंट क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएंगे फंक्शन वेरी गुड डिफरेंट हो जाएंगे फंक्शन फंक्शन मे बी अब देखिए यहां पर ट्विस्ट क्या है मे बी मे बी सेम और डिफरेंट मे बी सेम और डिफरेंट दोबारा से सुनिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट इन होमोलोगस ऑर्गन्स अगेन सुनिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट अमंग होमोलोग इन होमोलोग ऑर्गन ऑप्शन दे दिए गए पहला ऑप्शन ऑरिजिन दूसरा ऑप्शन एम्ब्रनिक डेवलपमेंट तीसरा ऑप्शन फंडामेंटल और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको यहां पर फंक्शन अगर डिफरेंट पूछा गया तो आंसर क्या हो जाएगा फंक्शन और उसी क्वेश्चन में पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेम इन होमोलोग ऑर्गन और वहां पर चौथा ऑप्शन दिया गया है फंक्शन अब आंसर क्या दोगे अब आंसर क्या दोगे सब सेम है ऑरिजिन सेम एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम और इवन यहां पर फंक्शन भी सेम तो इस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादातर गलती होती है आर यू एग्री विद यस फंक्शन मे बी सेम और डिफरेंट हम लोग क्या करते हैं पढ़ते टाइम अपने कंक्लूजन निकाल लेते हैं और क्या बोलते हैं मस्ट बी डिफरेंट होमोलोगस ऑर्गन में फंक्शन मस्ट बी डिफरेंट नहीं मे बी सिमिलर और डिसिमिलर ओके सो होमोलोगस यहां पर होता है बच्चों समझात समरूप इस तरह कुछ नाम होता है ठीक है तो फंक्शन में भी सेम और डिफरेंट जल्दी से आंसर दीजिए क्लियर हुआ नहीं हुआ या कोई कंफ्यूजन है अभी भी तो हम आगे बढ़े फिर जी हां और मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो जाएगा जब होमोलोगस ऑर्गन है डेवलप हुए रेडिएशन हुआ होमोलोगस क्यों बने क्योंकि उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकली वो डिफरेंट हो चुके हैं अच्छा चलिए मैसेज आ गए हैं सर क्लियर हो चुका है कौन सा वाला क्लियर सब कुछ साफ हो गया या फिर समझ में आ गया क्रिस्टल क्लियर ओके यस समझने वाला क्लियर हो गया है वेरी गुड वेरी गुड चलिए आगे बात करें तो फंक्शन में भी सेम और डिफरेंट और मॉर्फोलॉजिकली हो जाएंगे डिफरेंट अपीरियंस एक्सटर्नल अपीर डिफरेंट बट बेसिकली ऑरिजिन क्या थी सेम थी चलिए जी आगे बात करें एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर एग्जाम्पल ऑफ होमोलोस ऑर्गन एनसीआरटी के हम लोग एग्जाम्पल लिए यहां पर कुछ कुछ के के साथ क्या हुआ? Okay, बड़ा Thank you. तो mammal के साथ क्या क्या हुआ? हुआ? तो पहले सभी mammals कहां से बने? याद है आपको? कल भी हमने डिस्कस किया था. Mammals बने हैं रेप्टाइल से और नो मैमल्स बने हैं रेप्टाइल से और रेप्टाइल से जब बने फर्स्ट टाइप के जो हमारे पास मैमल्स थे वो होते थे प्रोटोथीरिया अच्छे से आपको नाम याद होगा डगबिल प्लेटिपस और निथोरिंकस उसके साथ साथ हम बात करें मैटाथीरिया कौन से थे मार्सुपियल मैमल्स तो पहले प्रोटोर्स फिर मैटा और लास्ट में आ गए प्लेसेंटल प्रोटोथीरिया मैटाथीरिया एंड यूथीरिया सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर मैमल्स के बारे में कौन से वाले हैं प्लेसेंटल मैमल्स एग्जाम्पल से हम लोग समझ रहे हैं यहां पर ह्यूमन चीता वेल बैट सो इट इज इजी टूट अंडरस्टैंड कि ये सब के सब के कौन से हैं हैं प्लेसेंटल मैमल्स सो पहले क्या हुआ होगा ये सब के सब जमीन पर रहते थे है ना तो फिर क्या हुआ ह्यूमन को लगा भी मुझे करने के लिए अपने हैंड्स को डेवलप करना है तो क्या करा इन्होंने अपने हाथ में क्या करा ये जो फिंगर है कैसा हो गया ओपोजेबल यू नो जब हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो वहां क्या देखते हैं हम लोग एप्स में डिफरेंट ओपोसबल मतलब थर्म जो है वो अपोसेबल कंडीशन में आ गया जब हम बात करते हैं चीता की या कहीं कहीं पर कैट लिखा होता है तो इन्होंने अपने क्या किया इनको हाथों को इनको बना दिया रनिंग के लिए मॉडिफाइड कर दिया वेल का मन नहीं लगा कहां पर टेरिटरी पर जमीन पर इनको लगा कि मुझे तो पानी में रहना है बड़ी गर्मी लगती है तो क्या किया इन्होंने डिप लगा दिया कहां पर पानी में है ना डिप लगाया तो कहां पहुंच गए पानी में अच्छा लगा वहीं रहना है वापस नहीं आने का तो वेल ने क्या किया अपने हाथों से नहीं तैर सकती थी क्या बना दिए इन्होंने इनको इस तरह से क्या बना दिया विंग्स के फॉर्म में फ्लिपर्स के फॉर्म में अपने बना लिया ओके और बैट ने क्या बोला बैट ने बोला ना मुझे पानी में जाना है ना मुझे जमीन पर रहना है ना जल और थल पर नहीं रहना तो कहां चली गई इसने बोला मैं तो उड़ूंगी और पेड़ पर लटकूंगी उल्टा यस तो इन्होंने उड़ने के लिए अपने हाथों को क्या किया मॉडिफाइड कर दिया तो सभी के पास आपको यहां पर बाइसेप्स नजर आ रहे हैं ये सबके बाइसेप्स डोले शोले चेंज हो चुके हैं शेप में बोन्स की लेंथ स्ट्रक्चर समथिंग डिफरेंट बट बेसिक स्ट्रक्चर्स आर वही वही हमारे पास में ह्यूमरस रेडियस पर पास में मेटाकार्पल्स कार्पल्स ना डिजिट्स जो हैं वो सब के सब के हैं पर लेंथ और थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बदल गया तो कॉमन एंसेस्ट्री हमें यहां पर दिख रही है ठीक है सोल लिम्स ऑफ मैमल्स ये क्या हुआ क्या ये आपको रेडिएशन लग रहा है बेटा वो बाद में बात करेंगे ना अजीज पे हम लोग आएंगे ओके वहां भी हम लोग बात करेंगे है ना चीता को भी अंगुलिया थी क्या सर हाँ बेटा दिख रहे हैं ना अंगुलिया ये देखें यहां पर जिसमें वो नेल्स होते हैं है ना तो आगे बढ़े चलिए आगे हम देखते हैं यहां पर इन दीज एनिमल्स द सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू अडेप्टेशन जिनको जैसा लगा उन्होंने अपने हिसाब से क्या किया अपने आप को एक नए एनवायरमेंट के लिए क्या करा मॉडिफाई कर लिया अडॉप्ट कर लिया अडेप्टिव रेडिएशन आ गया यहां पर सो एंड दीज स्ट्रक्चर आर होमोलोगस तो जब ये नए एनवायरमेंट में गए इनके जो बेसिक जो फंक्शन थे वो डिफरेंट हो गए कहीं पर यहां पर ये ग्रास्पिंग के लिए हो रहा है ह्यूमन में चीता में रनिंग के लिए है वेल में स्विमिंग के लिए और बैट में किस लिए हो गया फ्लाई के लिए तो फंक्शन यहां पर डिफरेंट ओके वर्षा अरे मयूरेश साहब भी आ गए वेरी गुड मयूरेश नीलेष टाक यही नाम है ना पूरा कंप्लीट यस यस वेरी गुड सो so, नेक्स्ट हमारे जो ऑप्शन है वो है थॉर्न ऑफ वर्गेनविलिया एंड टेंडिल ऑफ कुकुरबिटा बोथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड एक्सिलरी बर्ड से यहां पर डेवलप होते हैं आपको अच्छे से याद होगा ये हमारे पास में क्या होता है यहां पर नोट है ना इंटर नोट यहां पर इस तरह से और यहां पर अगर आपके पास ये पेट्रोल लीफ का और यहां पर होती है एक्सिलरी बर्ड अब आप इस एक्सिलरी बर्ड से क्या बनाने वाले हो क्या आप इससे स्पेक्यूल बना रहे हो कांटा बना रहे हो थॉर्न बना रहे हो या फिर इससे बनाने वाले हो टेंड्रिल तो ऑरिजिन क्या हो गया ऑरिजिन सेम एक्सिलरी बड से क्लियर और उसी से बन गए थॉर्न उसी से बन गए टेंडल्स अपने अकॉर्डिंगली क्लाइंबर बनाना है तो यहां पर क्या करो यहां पर हम लोग टेंडल्स बना सकते हैं और अदरवाइज यहां पर थॉर्न्स बन जाएंगे डिपेंड करता है फंक्शन क्या है ठीक है सो so ये क्या है बच्चों पेटियोल यानी कि हमारे पास जो लीफ का जो छोटी सी स्टिक होती है वो है ना ये हमारे पास क्या नोड इंटरनोड्स हैं ओके और यहां पर अच्छा वर्षा में समझ गया किसकी बात कर रहा हूं आप लोग है ना थैंक हाँ बेटा कुछ हमको यहां पर एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीआर से बाहर भी वर्टिबेट हार्ट की बात करें तो आप अच्छे से जानते हैं पाइसिस एम्फीबिया रेप्टाइल्स एवस मैमल्स इनमें हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें चैंबर्स की बात करें तो पहले क्या था टू चैंबर्स टू चैंबर्स से बने थ्री चैंबर्स है ना सिंगल सर्कुलेशन देन इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन और फाइनली एव्स और mammals में क्या हो गया? में हो गया गया उनमें था कंप्लीट डबल सर्कुलेशन यानी कि फोर चैंबर हार्ट्स तो जो भी हो थर्मस होते हैं जो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं वो सब कैसे होते हैं फोर चैंबर हार्ट वाले अदरवाइज जहां पर हमारे पास में क्या था अदर केसेस में क्या था वहां पर अपना वो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते पोई किलोथर्मस उन्हें बोला जाता था तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है टू चैंबर से बना है वन वन एट्रिया वेंट्रिकल एट्रिया टू बन गए फिर वेंटिकल टू बन गए तो बेसिक स्ट्रक्चर वही पंपिंग का काम वही है बट फंक्शन बाद में बदलते चले गए ओके यस नाउ वर्टिबेट ब्रेन आपने जब एनिमल किंगडम पढ़ते हैं आपको याद होगा अच्छे से आप पढ़ते हैं वहाँ पर है ना नर्व रिंग धीरे धीरे जब डेवलप होती चली गई तो वहां पर क्या हो ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर जो होते हैं ना सेरिब्रम मिड ब्रेन ब्रेन और वगैरह वो सब सेम कुछ कुछ चेंजेस वहाँ पर होते चले गए तो हमारे पास जो अगला एग्जाम्पल था वो क्या था वर्टिबेट्स ब्रेन इसमें भी हमारे पास तरह से गस, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं अलग अलग में इनका डेवलपमेंट अलग अलग लेवल पर हुआ विच वन इज मस्कुलर ओकेशन जिस टर्म्स की बात कर रहे थे ज्योग्राफिकल एरिया एक ज्योग्राफिकल एरिया में इवोल्यूशन हो रहा है किस तरह से होगा फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज़ अदर एरियाज में चला जाएगा तो क्या हो रहा है यहाँ पर हम देखें समझें एक हमारे पास एक एरिया है इस एरिया में किसी पॉइंट पर हमारे पास कुछ यहाँ पर एनिमल्स हैं और क्या हो रहा है वो इस एरिया से निकल कर चले गए कहीं और ये मान लीजिए इस एरिया में पहुंच गए हैं यहां से कुछ एनिमल यहां पर आ गए हैं कुछ एनिमल्स निकलकर यहां पर आ गए हैं तो डिफरेंट डिफरेंट में डिफरेंट डिफरेंट एरिया में चले गए और इस केस में क्या होगा ये हो गया हमारे पास में रेडियेशन वर्ड क्यों लगाया गया इसमें जो भी हमारे पास में एनवायरमेंट था तो क्या यहां पर एनवायरमेंट बदलेगा यस डेफिनेटली यहां पर एनवायरमेंट बदल जाएगा ये इवन एनवायरमेंट यहां पर एनवायरमेंट कुछ कंडीशन और होंगी और यहां पर कंडीशन कुछ और होंगी सो so, इनको यहां पर तो इनको यहां पर क्या बोला जाएगा इनको एनवायरमेंट की नीड के अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ा अपने आप को बदलना पड़ा अडेप्टेशन लाने पड़े और इस वजह से क्या हो गया यहां पर रेडिएशन हो रहा है तो रेडिएशन हुआ नई जगह पर पहुंचे वहां सर्वाइव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे है? उसके पर हमने बोल दिया अडेप्टिव रेडिएशन और अगर सर्वाइव नहीं कर पाए तो क्या होगा उस जगह पर वो पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी ओके ओके वर्षा यू कैन नंबर ऑफ मार्सुपेल्स इच डिफरेंट फ्रॉम द अदर इवर्ड फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइसलैंड कॉन्टिनेंट एक और एग्जाम्पल दिया गया है एक जनरल बात की गई है किसी भी पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हो सकता है एक हमारे पास केस स्टडी के, के फॉर्म में बात की गई किसकी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलता है आप सब जानते हैं कैंगरू यानी कि मासुपेल्स है ना मासुपेल्स हमें मिलते हैं तो क्या हुआ वहां पर उनके साथ में मासुपेल के साथ में वहां भी ऐसा हुआ

जेंट इवोल्यूशन एडेप्टिव रेडियन स्पेशल केस ऑफ डायवर्जेंट इवोल डायवर्जेंट इवोल्यूशन का ही एक हमारे पास केस है तो यह वर्ड हमें यहां पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बहुत कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को सर एडेप्टिव रेडिएशन कब होगा डायवर्जेंट इवोल्यूशन कब होगा डायवर्स मतलब फैलना डिस्ट्रीब्यूट होना और रेडियशन मतलब भी क्या होता है फैलना डिस्ट्रीब्यूट होना सो एडेप्टिव रेडिएशन इज ए स्पेशल केस ऑफ डायवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब ब्रॉड टर्म क्या है ब्रॉड टर्म है डायवर्जेंट इवोल्यूशन और उसमें एक प्रोसेस चल रहा है या हम लोग कैसा बोल सकते हैं रेडिएशन टाइप ऑफ तो, की बात की तो हम क्या बोलेंगे में पर ये काम करेगा तो देखिए एडेप्टिव रेडिएशन जब होगा तो क्या होगा इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा होमोलोगस ऑर्गन हमें यहां पर इसका रिजल्ट मिल जाएगा इसका रिजल्ट क्या होगा होमोलोगस ऑर्गन ठीक है इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं एक छोटा सा मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं अगर आप याद रखना चाहें तो मेरे नाम से यहां पर आइडिया मिल जाएगा आपको तो ये देखिए यहां पर एच डी एस एस ठीक है तो हरदीप सिंह नाम है तो उससे आप पहचान लेंगे यहां पर एच का मतलब क्या हो जाएगा होमोलोगस एच शो करेगा होमोलोगस को डी शो कर रहा है डायवरजेंस को एस हमें यहां पर शो कर रहा है सेम सेम और एस फॉर हो जाएगा स्ट्रक्चर तो क्या निकल कर आया कंक्लूजन होमोलोगस यानी कि डायवर्जेंट यानी कि सेम स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली फंक्शन यहां पर डिफरेंट हो सकता है तो याद रहेगा अब एच डी एस एस होमोलोगस डायवर्जेंट सेम स्ट्रक्चर क्लियर बेटा एडेप्टिव में डिफरेंट स्पेसिस होते हैं ओके okay? ओके okay, गंगवार साहब तो आप ऐसा ध्यान रख सकते हैं है ना छोटा सा एक आइडिया में लग जाता है इससे चलिए आगे बढ़ें एंसेस्टर्स एक पर्टिकुलर एरिया में और यहां से हो रहा है रेडिएशन रेडिएशन हो रहा है फैल रहे हैं अलग अलग जगह पर जा रहे हैं तो ये देखिए एस वन एस टू एस थ्री एस फोर ये हैं चार डिफरेंट स्पीशीज इन फोर डायरेक्शन सो ये देखिए डाइवर्जेंट रिवोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है एक एरिया में कुछ स्पीशीज चली गई बेसिक जगह से निकल कर गए कुछ एक एरिया में सुपर हिट ट्रिक ओके पंखुड़ी सो हैबिटेट ए में क्या हो गया एडेप्टेशन ए हो गया ऐसा क्यों जब अलग अलग एरिया में जाते हैं तो क्या होता है वहां पर टेम्परेचर है ना वहां का जो वेजिटेशन होता है है ना वहां की जो डाइवर्सिटी होती है वो बहुत डिफरेंट है तो उसके अकॉर्डिंगली इन्हें अपने आप को यहां पर बदलना होगा तो इन्हें इन्होंने एक नया एडेप्टन यहां पर ले लिया ओरिजिनल जगह से इसके बाद एस टू स्पीशिस टू बन जाएगी कब बनी जब ये चले गए हैबिटेट बी में एक नई लोकेशन पर चले गए और यहां पर इन्होंने कुछ नए डेप्टेशन लिए नए अडेप्टेशन यहां पर आए उसके बाद हम बात करें हैबिटेट सी जब सी हैबिटेट में गए यहाँ पर कुछ और एडेप्टेशन लिए और बन गए एक और नई स्पीशीज और फाइनली एस फोर स्पीशीज ये हमारे सामने आ गया हैबिटेट डी तो क्या हो रहा है एक कॉमन प्लेस से जब ये अलग अलग जगह पर गए नो बेटा होमोलोगस में डाइवर्जेंस होता है आस्था अभी मैंने आपको जो ट्रिक बताया इतना देर समझाया रेडिएशन डाइवर्जेंस होमोलोगस ओके

डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को और होमोलोगस को तो जब भी डाइवर्स होंगे होमोलोगस ऑर्गन बनेंगे क्यों कॉमन जगह से डिस्ट्रीब्यूट हुए थे कॉमन ऑरिजिन कॉमन स्ट्रक्चर फंक्शन में भी डिफरेंट क्लियर माउथ पार्ट आ भी एग्जाम्पल माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट भी इसमें आंसर आ सकता है ओके okay? का मतलब अडेप्टिवटेशन लेना नए एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए अब यहां पर इसके एग्जाम्पल्स कुछ और हमारे पास प्लेसेंटल मेमल्स प्लेसेंटल मेमल्स की बात करें तो ये देखिए

नो बेटा आस्था आपने बिल्कुल इसको पोच कर दिया मैं एक बार दोबारा आपको रिवाइज करा दूंगा ओके हाँ तो हम क्या बात कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में किसी भी कॉन्टिनेंट में हर जगह पर क्या और डायवर्जेंस हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया में भी होगा है ना हमारा जो एशिया वहां पर भी होगा अमेरिका में भी होगा सब जगह चल रहा है तो बस उसी बात को यहां पर लिखा गया है ठीक है एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं आस्था होमोलोगस कब बनते थे जब एडेप्टिव रेडिएशन होता था यानी कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है तब होमोलोगस ऑर्गन बनेंगे और ये क्या बता रहे हैं ऑब्वियसली डाइवर्जेंस बता रहे हैं क्लियर चलिए आगे देखते हैं हम लोग ये हमारे पास एक एग्जाम्पल एनसीआर के पर ऑन द बेसिस ऑफ तो फ्लाइंग वुल्फ बेस एनसीआर माउस डियर ब्राउन डर लेमूर लिमर लिमर रैबिट मोल इस तरह से और इसके साथ साथ मार्सुपियल मैमल्स की हम लोग बात करें जो कि हमारी एनसीआरटी में मेंशन किया गया है तो ये देखिए यहां पर मार्सुपियल रिलेशन विद इन द ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट दोनों क्लियर प्लेसेंटल मैमल्स का जो डाइवर्जेंस हो रहा है वो पूरे वर्ल्ड में सभी कॉन्टिनेंट्स में हो रहा है पर हम लोग की बात करें तो कहां पर हो रहा है विद इन द ऑस्ट्रेलिया जी हां तो यहां पर आप देख सकते हैं तस्मन इन वोल्फ है टाइगर कैट बैंडेड एड बैंड लगा दिए गए इनके ऊपर मार्सुपियल रैट कैंगरू वॉम्बैट बैंडिकोट कोला और मार्सुपियल मोल और यहां पर है शुगर ग्लाइडर जो फ्लाय जर होता था उसकी जगह पर लिख दिया शुगर क्लाइटर इस तरह से थोड़ा सा यहां पर चेंजेस आ जाते हैं वुल्फ और वुल्फ पर डिफरेंट हो जाएंगे। जी हाँ चलिए आगे एनसीआर है ने जो बताया था स्टडी जो किया था पर उसी की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ गैला आइसलैंड एच एम बीगल में जो घूमने गए थे तो क्या देखा इन्होंने डार्विन ऑब्जर्व

इन्होंने उनको ऑब्जर्व किया क्या था उन फिंसेज में फिंसेज मतलब सिंपल सी चिड़िया है ना उनकी जो बीक थी उस बीक के पैटर्न को देखकर ये काफी काफी अमेज हो गए शॉकिंग था इनके लिए कि इतने से छोटा एरिया में आइसलैंड में ट्वेंटी टू छोटे ग्रुप था उसमें इतनी सारी डाइवर्सिटी इतने सारे रिलेशन ये इन्होंने देखा अमेज हो गए थे सो गैलापागोस गैलाइसलैंड सिचुएटेड नियर साउथ अमेरिका विच इज अ ग्रुप ऑफ ट्वेंटी टू स्मॉल आइसलैंड ये हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है कि ये कितने आइसलैंड थे क्योंकि एनसीआरटी में मेंशन नहीं है बट इसको समझना ये है चाहते हैं कि वो एक सिंगल पीस नहीं था आइसलैंड छोटे 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 पार्ट थे वाटर के बीच में तो जब वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में गए उन छोटे छोटे स्पॉट्स पर गए तो वहां पर कुछ ना कुछ उनको डिफरेंस मिला दैट्स वाई हम लोग ये लाइन यहां पर देख रहे हैं कि ट्वेंटी टू स्मॉलर आइसलैंड थे नॉट ए सिंगल पीस नॉट ए सिंगल लैंड ओके नाउ ये देखिए यहां पर क्या क्या चेंजेस आए तो ये जितने भी यहां पर नाम लिखे हुए आपको सारे नाम यहां पर नहीं पढ़ने आपको इतना सा ध्यान रखना है कि यहां पर जो बीक का जो पैटर्न था वो यहां पर चेंज हो चुका था जैसे कि मेन मेनली फ्रूट ईटर्स फ्रूट खाने वाले इंसेक्ट्स ईटर इंसेक्ट्स को खाने वाले कैक्टस को खाने वाले और सीड ईटर्स तो बर्ड्स क्या होता है जनरली सीड ईटर्स होते हैं पर यहाँ पर क्या और इस तरह के पैटर्न भी हमको देखने को यहां पर मिले नेक्स्ट इज एनालॉजी अब हम बात कर रहे हैं एनालॉजी की एक बार हम लोग दोबारा से यहां पर रिवाइज कर लें हमने क्या देखा होमोलॉजी क्यों हुआ होमोलोगस ऑर्गन क्यों बने क्योंकि यहां पर जो था उन्हें एडेप्टिव रेडिएशन करना पड़ा अपना एरिया छोड़कर जाना पड़ा कॉमन एंसेस्ट्री को छोड़कर गए नए हैबिटेट में गए और नए हैबिटेट में जाने पर क्या किया अपने आप को चेंज कर लिया तो बन गए होमोलोगस ऑर्गन्स यस बेटा बिल्कुल प्रियांशु अरलेस वॉज द सीडिटर्स नेचुरली सीडिटर्स होते हैं उसके बाद में यहां पर चेंजेस आते गए अब आता है दूसरा केस एनालॉजी एनालॉजी का केस हम लोग समझें डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डाइवर्जेंस होता है और अगर वहां पर डाइवर्जेंस होगा तो वो डाइवर्ज होकर कहां पहुंचेंगे वो पहुंचेंगे किसी कॉमन ऑरिजिन पर पहुंच सकते हैं एग्जाम्पल के लिए हम जैसे एलन डिजिटल की बात कर रहे हैं एलन डिजिटल की बात करें तो मान लीजिए आप में से कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे चेन्नई से है ना या तमिलनाडु से कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं राजस्थान से कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं यूपी से कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं बंगाल से कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं पंजाब से तो आप क्या कर रहे हैं यहां पर जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आया क्या हो गया कन्वर्जेंस हो गया पर अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप यूपी से हैं तो क्या वहां पर डाइवर्जेंस हुआ क्या यस और नो क्या वहां पर डाइवर्जेंस हुआ ऑब्वियसली हुआ यूपी के सारे बच्चे मेडिकल की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं कोई जॉब कर रहा है कोई बिजनेस कर रहा है किसी की गवर्नमेंट जॉब है कोई आईआईटी के काम आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है कोई और इंजीनियरिंग में जा चुका है सबका अलग अलग क्राइटेरिया तो आप लोग क्या कर रहे हैं आप अपने एरिया से एक कॉमन जगह पर आए दैट इज कन्वर्जेंस बट क्या ये जो कन्वर्जेंस है ये विदाउट डायवर्जेंस पॉसिबल है या सो रो में आंसर दीजिए बिना डायवर्जेंस के क्या कन्वर्जेंस हो सकता है बिना डायवर्जेंस हुए नहीं हो पाएगा आपको पहले डायवर्जेंस करना पड़ेगा है ना तभी तो कन्वर्जेंस होगा जब आप अपना एरिया छोड़ेंगे अपना डोमेन जब छोड़ेंगे तभी तो क्या होगा तभी तो कन्वर्जेंस हो पाएगा ना यस वेरी गुड अब आपको समझ में आ गया है कि हमें जब एक जगह से जब एनिम एनिमल्स या प्लांट्स जो अपने एरिया को जो छोड़ते हैं डाइवर्ज होते हैं वो जिस नई जगह पर पहुँचते हैं हो सकता है उसी कॉमन जगह पर किसी और एरिया से भी एनिमल्स पहुँच जाएँ किसी थर्ड एरिया से एनिमल्स पहुँच जाएँ जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हैं आप लोग एज ए ह्यूमन एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आए अपने अपने एरिया से डाइवर्ज होकर क्लियर तो यही है एनालॉजी क्या होगा आपकी एंसेस्ट्री कैसी हो गई कॉमन या फिर अनकॉमन जी बिल्कुल बेटा अबीरा आपकी एंसेस्ट्री हो गई अनकॉमन डिफरेंट एंसेस्ट्री से आप आ रहे हैं और यहां पर आकर क्या हो गया आपकी हैबिट्स आपका टारगेट आपका स्टडी का पैटर्न आपकी क्लासेस क्या हो गई कॉमन हो गई ना बस सिमिलरली ऐसा हमारे पास होता है तो देखते चलिए एनालॉजी डजेंट इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री डजेंट इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री समझ में आई बात ऐसा क्यों चार डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट है एक, यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है तो क्या हो रहा है इसमें जब यहां पर डायवर्जेंस होगा ये मान लीजिए हुआ यहां से हुआ और यहां पर हुआ इसी तरह से यहां पर भी डायवर्जेंस हो रहा है इस तरह से यहां पर भी हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है यहां पर यहां पर क्या मिला आपको इस जगह पर क्या मिला इस जगह पर हो गया है कन्वर्जेंस यस और नो यहां पर डायवर्जेंस हुआ यहां पर डायवर्जेंस हुआ यहां पर डायवर्जेंस हुआ और यहां पर हो गया कन्वर्जेंस वापस वही बात जब आप अलग अलग एरिया से आ रहे हैं तो कन्वर्जेंस हो जाएगा ऑरिजिन कैसे हो जाएगी ऑरिजिन हो जाएगी डिफरेंट तो चलिए देखें वैन डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्व फॉर द सेम फंक्शन इस लाइन पर आप कंसंट्रेट करें वैन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट से मान लीजिए ये हमारे पास था एरिया वन ये हमारे पास था एरिया टू और ये हमारे पास था एरिया थ्री तीन डिफरेंट एरिया से हमारे पास जब पहुंचे तो क्या हुआ उनके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर थे क्या किया उन्होंने इवॉल्व हो गए फॉर सिमिलर फंक्शन एक जैसा फंक्शन करने के लिए ड्यू टू ड्यू टू सिमिलर हैबिटेट ड्यू टू द सिमिलर हैबिटेट और एडेप्टेशन दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हैबिटेट हाँ, सेम रहेगा फंक्शन सेम हो जाएगा पर कहा से आए थे इनकी ओरिजिन कॉमन नहीं थी क्लियर तो होमोलोगस में क्या हुआ था होमोलोगस में हुआ था डाइवर्जेंस और सिमिलर स्ट्रक्चर एच डी एस एस यहां पर उसका अपोजिट कर दीजिए आप एनालोग कन्वर्जेंस और डिफरेंट स्ट्रक्चर या फिर सिमिलर फंक्शंस क्लियर दोनों में कोई डाउट ओके वेरी गुड तो दोनों में हमें बिल्कुल यहां पर क्लियर हो चुका है कॉमन एनसेस्ट्री कहां पर थी और डिफरेंट एनसेस्ट्री कहां पर थी एनोलॉजी बेस्ड अपॉन आ गया नाम वही वापस से एनोलॉजी किस पर डिपेंड है कन्वर्जेंस पर डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आप आ रहे हैं कन्वर्जेंस हो रहा है दैट इज दैट रिजल्ट इन एनोलॉगस ऑर्गन्स द ऑर्गन विच हैव अब यहां पर डेफिनेशन समझा दी गई है विच हैव डिफरेंट ऑरिजिन एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स होमोलोगस में क्या पढ़ा था सिमिलर सिमिलर ऑरिजिन एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट यहां क्या हो गया डिफरेंट हो गया है बट परफॉर्म बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन्स एंड दिस फिनोमिन इज कॉल्ड एज एनालॉजी एनालॉगस ऑर्गन बन गए और क्या हो गया एनालॉजी ठीक है मंजूनाथ बेटा अगर आप होमोलोगस पढ़ लोगे ना हाँ बस बिल्कुल का उल्टा हो जाएगा बिल्कुल सही बात है ना एग्जैक्टली exactly अपोजिट हो गया बिल्कुल सही बात तो देखिए यहां पर प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन इन इवॉलिंग इंटू वेराइटीज ऑफ सच प्लेसेंटल मैमल्स ईच ऑफ द विच अपियर्स टू द सिमिलर और करस्पॉन्डिंग मासुपियल अब यह क्या हुआ नया हम बात कर रहे हैं किसकी हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की लाइन थोड़ा सा आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुने इस लाइन को ध्यान से सुने क्या हो रहा है यहां पर तो समझे यह है हमारे पास में ऑस्ट्रेलिया यह है ऑस्ट्रेलिया मैं यहां पर येलो कलर से बनाऊंगा येलो कलर से मैं बनाऊंगा किसको प्लेसेंटल मैमल्स को और किसी और कलर से हम लोग बनाएंगे मार्सुपियल्स को तो समझे यहां पर जब यहां पर मार्सुपियल्स अवेलेबल थे मार्सुपियल्स ना मान लीजिए हम लोग मार्सुपियल ले लेते हैं पहले येलो से तो क्या हुआ इनको इन्होंने अपने को डाइवर्स किया विद इन ऑस्ट्रेलिया यह है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया इन्होंने अपने को डाइवर्स किया यह अलग अलग जगह पर जा रहे हैं क्लियर नाउ सेम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में सेम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में क्या हुआ यहीं पर रहते थे कौन यहीं पर रहते थे हमारे प्लेसेंटल मैमल्स भी एक जगह पर और यहां से क्या हुआ ये भी अपनी अपनी जगह से निकल कर गए किसी अलग अलग हैबिटेट में ये यहां पर चल पड़े इस तरफ ये चल पड़े इस तरफ गोलू सिंह जी समझ में आ गया राज आज ये लाइन समझा सर अच्छा वेरी गुड चलिए किसी को तो फायदा मिला है ना तो चलिए देखते जाए क्या हो रहा है यहां पर साउंड्स मच क्लियर ओके बेटा जिया सो ये क्या हो गया इस जगह पर आप बात करें इनकी इन दोनों की तो क्या हुआ अलग अलग जगह जाना चाह रहे थे बिकॉज इनका ओरिजिन सेम था पर क्या हो गया पहुंच गए सेम जगह पर ठीक है तो पैरेलली चल रहे हैं और कहां पहुंच रहे हैं सेम जगह पर आप पढ़ते हैं ना वो कंपैरिजन वुल्फ वुल्फ कंपेरिजन है ना उसके बाद में वो हमारे पास जो बैंडेड एंथीटर वो सब क्या है वो सिमिलरिटी शो हो रही है इसलिए हम लोग यहां पर देखते हैं ठीक है तो लाइन क्लियर हमें यहां पर दोनों तरह के मैमल्स की बात कर दी गई विद इन ऑस्ट्रेलिया क्या यह पॉसिबल है किसी और जगह पर अमेरिका में एशिया कॉन्टिनेंट में पॉसिबल है ऐसा होना सो इट इज स्पेसिफिकली फॉर द ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट किसी अदर जगह पर यह पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज देर आर नो मार्सुपियल्स ओके एग्जाम्पल दे दिया गया आपको ओके okay, मित्तल साहब इज ऑल्सो देयर ओके वुल्फ प्लेसेंटल एंड तस्मानियन वुल्फ इज ऑल्सो देयर तो ये हो गया हमारे पास में क्या मार्सुपियल्स ये हो गए हैं हमारे पास में मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल क्लियर हो गया यहां पर हाँ अब आने लगे आंसर नो बिल्कुल दोनों का सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही ऐसा पॉसिबल है ओके चलिए जी ये देखिए यहां पर जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा हमने जो पैराग्राफ पढ़ा उसी को हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं प्लेसेंटल मेमल और ऑस्ट्रेल मेमल वो जो मैंने बनाए थे येलो कलर और ब्लू कलर से आप समझ लीजिए ये हमारे जो है ब्लू कलर वाले हो गए और ये हमारे येलो कलर और लाइनिंग्स पिछले वाले डायग्राम में दोबारा से देख लीजिए ये जो हमने बनाए थे इनको हम लोग यहां क्या कर रहे हैं कंपेयर करते जा रहे हैं इस तरह से तो देखिए मोल मार्सोपियल मोल यहां पर है एंटीटर यहां पर है बैंडेड एंटीटर बेटा एनालॉगस को सिंपल बना लीजिए आस्था ठीक है ना वेरी सिंपल इसमें आप बना लीजिए एनालॉगस सी और डिफरेंट स्ट्रक्चर ठीक है ना डिफरेंट स्ट्रक्चर ऐसा टिक बन जाएगा छोटा सा अगर आपको होमोलोगस होमोलोगी याद है तो ये अपने आप आप इसको कर सकते हो ठीक है चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटीटर तो बैंडेड एंटीटर नाउ माउस माउस तो यहां पर क्या हो गया मासुपियल माउस क्या कॉमन है इन सब में इन सब में क्या कॉमन है मासुपियल पाउस्ड मैमल्स हैं दीज आर पाउस्ड मैमल्स और ये है प्लेसेंटल मैमल्स तो यहां पर है हमारे पास में लीमर और यहां पर है स्पॉटेड कसकस स्पॉटेड कसकस नेक्स्ट वन इज फ्लाइंग स्क्यूरल और यहां पर बोल दिया यहां पर शुगर ग्लाइडर फेरेंजल फेलेंजर नाम है इसमें हमारे NCRT में फेलेंजर फेलेंजर फ्लाइंग की तरह से तो फ्लाइंग स्क्यूरल शुगर ग्लाइडर ये हम लोग ध्यान रखें एग्जैक्टली exactly आप एनसीआरटी के डायग्राम से उनको भी थोड़ा फॉलो करते जाए नेक्स्ट वन इज बॉब कैट और यहां पर है टाइगर कैट यहां पर है वुल्फ और यहां पर है तस्मानियन वुल्फ तो ये जो हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं जी हाँ बेटा उसको नंबेट बोला, बोला गया बिल्कुल सही आप बता रहे ठीक तो साथ -साथ ये ये है आप ये जब मास बना तो बेचारा नंब बन गया नंब हो गया बिल्कुल है ना बंद कर दिया था बिल्कुल सुस्ता है ना ऐसे आप याद रख सकते हैं नंबेट को क्लियर तो ये हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स तो ये हमारा एनसीआर एग्जाम्पल था और क्या क्या एग्जाम्पल दिए गए तो देखें हम लोग यहां पर विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड सा ध्यान से हम लोग थोड़ा टाइम देंगे बटरफ्लाई एंड बर्ड्स बर्ड्स बटरफ्लाई क्या हो जाएगा बच्चों ये में आ जाएंगे जबकि यह क्या है एवस तो क्या इनकी ओरिजिन सिमिलर है आप लोग आंसर देते जाइए क्या इनकी ऑरिजिन सिमिलर होगी नो सिमिलर डिफरेंट अनकॉमन एंसेस्ट्री बट दोनों क्या कर रहे हैं दोनों के जो विंग्स हैं वो यहां पर उड़ने में हेल्प कर रहे हैं फंक्शन सिमिलर हो गया फंक्शन सिमिलर हा जी बिल्कुल बेटा प्रेजेंटर आर ब्यूटीफुल नेक्स्ट वन इज आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स मैमल्स की जो आईज हैं मैमल्स टोटली डिफरेंट और ऑक्टोपस हमारे पास जो है सिफेलोपोड मोलस है ना सिफेलोपोडा में जो आते हैं तो इनके पास क्या हो गया दोनों का बेसिक कंपोनेंट बिल्कुल डिफरेंट बिल्कुल इनके स्ट्रक्चरल पार्ट बिल्कुल डिफरेंट हैं बट दोनों क्या कर रहे हैं सेंसिंग का काम कर रहे हैं हम लोग ज्यादा स्पेसिफिकली ज्यादा एक्यूरेसी के साथ देख रहे हैं और ऑक्टोपस इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है बट स्टिल यहां पर विजन का काम कर रहा है क्लियर नेक्स्ट वन इज फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड पेंगुइंस घबराने का नहीं है आप बेसिक सा स्ट्रक्चर याद रखें जो डॉल्फिन और जो पेंगुन्स हैं क्या डिफरेंस होता है डॉलफिन आर मेमल्स एंड पेंगुन्स आर फ्लाइटलेस यस आंसर प्लीज फ्लाइटलेस पेंगुनस आर फ्लाइटलेस बर्ड्स उड़ नहीं सकते ऐसे बर्ड्स हैं सो अब आप समझ लीजिए कहां मेमल्स और कहां पर फ्लाइटलेस बर्ड्स ऑरिजिन बिल्कुल डिफरेंट एनसेस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट बट दे हैव फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग वाय बिकॉज इनका हैबिटेट कॉमन हो गया है यस yes, बिल्कुल बेटा तो सिफ यू कैन सो so, हा बेटा नहीं होगा ना अंश अंश है ना क्या हो रहा है आप ये देखिए कि ओरिजिन क्या था? उनका क्लासिफिकेशन देख सिंपल सी बात है डॉल्फिन एक मैमल पेंगुइन बर्ड्स दोनों कहां पर आ गए पानी में देखा ना आपने ठंडा ठंडा पानी जो अपने है ना पोलर एरिया जो वहां पर होते हैं वहां पर आपको मिल जाते हैं इस तरह से इसके बाद आता है मेरे पास में स्टिंग ऑफ बी एंड यहां पर है स्कॉर्पियन अब इसमें अगर आप देखें तो इनको अगर आप इंसेक्ट्स में लेकर चलें तो क्या होगा अगर आप बी का स्ट्रक्चर देखें स्कॉर्पियन का स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है इनका जो बी का जो स्ट्रिंग होता है वो क्या होता है और स्कॉर्पियन का जो स्टिंग होता है वो कहां पर होता है होता है इसकी टेल के ऊपर घूमा हुआ ऐसे ना कर्व टाइप में टेल होती है और यहां पर ऊपर की तरफ लगा होता है इनका स्टिंग तो डिफरेंट हो गया ऑरिजिन स्ट्रक्चरल पार्ट क्या हो गया उनका डिफरेंट हो गया बट स्टिल दे आर दे हैव सिमिलर फंक्शन स्ट्रिंग करना ऑफेंस करना अटैक करने के लिए क्लियर तो फंक्शन यहां पर सिमिलर हो चुका है नहीं बेटा दिखने में लगते हैं पंखुड़ी बट बेसिकली देर ऑरिजिन आर डिफरेंट ओके तभी तो कंफ्यूजन होता है स्वीट पटेटो एंड पटेटो इसमें कंफ्यूजन है क्या एक चीज ध्यान रख लो पटेटो होते हैं क्या ये होते हैं अपने पास में शूट स्टैम का पार्ट है पटेटो होता है स्टैम मॉडिफिकेशन और स्वीट पोटैटो क्या होता है ये होता है रूट का मॉडिफिकेशन बस समझ में आ गया एक है स्टेम एक है रूट दोनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं दोनों मिलकर फूड स्टोरेज यहां पर कर रहे हैं फूड स्टोरेज यहां पर कर रहे हैं तो फंक्शन क्या हो गया सिमिलर हो जाएगा यस क्लियर नेक्स्ट वन इज क्लोरागोगन सेल्स ऑफ अर्थवम क्लोरागोगन सेल्स ऑफ अर्थवम एंड लीवर ऑफ वल्टीब्रेड ठीक है और जिसको लग रहा है कि सर ये काफी एक्स्ट्रा बता दिया है बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं है एनिमल किंगडम पढ़ते हो वहां भी ये चीजें आती हैं वहां पे अच्छे से पढ़ोगे यहां पर कॉरिलेट कर पाओगे क्वेश्चंस को अटेम कर पाओगे क्लियर सो यू शुड यू शुड अवेयर अबाउट ऑल द एग्जाम्पल्स विच आर डिस्कसिंग हियर ओके सो क्लोरागोगन सेल्स ऑफ अर्थवर्म और यहां पर हमारे पास है लीवर ऑफ वर्टीपेट्स क्या होता है क्लोरोगन का सेल्स का काम क्या होगा हम जैसे जानते हैं यहाँ पर एक्सक्रीशन में है ना ओ टॉक्सिक सब्सटेंस को वो डिस्ट्रॉय करने के लिए काम करते थे स्टोरेज भी करते थे जी हाँ तो लीवर भी हमारे पास यहाँ पे इस तरह के काम करता है तो इनके भी फंक्शन हमारे मिलते जुलते होंगे और ह्यूमन का लीवर तो बहुत सारे फंक्शन करता है ना ह्यूमन लीवर बहुत सारे फंक्शन होते हैं मेटाबोलिज्म वगैरह है ना बहुत सारे फंक्शन करता है तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गई सिमिलरिटी आ गई चलिए आगे हम बढ़ते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और अडेप्टिव कन्वर्जेंस ये वर्ड्स हम वापस से समझें यहाँ पर कन्वर्जेंट इव्यूशन और एडेप्टिव कन्वर्जेंस हम बात कर रहे थे होमोलोगस की उससे हमने रिलेट किया डायवर्जेंस को एडेप्टिव रिलेशन को अब हम बात कर रहे थे एनालोगस की उसके एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर समझे अब हम उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं कि एनालोगस के लिए क्या किया तो यहाँ पर हुआ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन अब वो अपने हैबिटेट के लिए अपने सर्वाइवल के लिए क्या हो गया एक कॉमन जगह पर आ गए कन्वर्जेंट हो गए कन्वर्ज हो गए एक जगह पर आ गए दैट इज कन्वर्जेंट रिवोल्यूशन या फिर हम बोलेंगे अडेप्टिव कन्वर्जेंस क्यों हुआ एक साथ क्यों आए उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी थी यस yes, बेटा सम ट्रिक्स है ना बेटा बता दिया आपको ना मंजुनाथ एस डी से पता लग जाएगा जैसे कि आपकी मैं अगर बात करूं आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्यों आए बिकॉज आपकी रिक्वायरमेंट थी आपका एक टारगेट था डॉक्टर बनने का आपकी नीड थी तो इन्हें भी क्या करना पड़ा इन्हें भी अपने फूड हैबिटेट की तलाश में क्या करना पड़ा ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर ये सब मिलकर एक जैसे में रहने लगे स्ट्रगल भी रहा इनके अंदर बट सिमिलरिटी आती चली गई और बन गए क्या यहां तो पर समझाई थी स्टार्टिंग में ध्यान से सुनना मोर देनिव रेडियड टू हैव अकर्ड इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया एक बार हम लोग पीछे चलते हैं और उस डायग्राम को दोबारा देखते हैं आइए देखिए इज इट क्लियर वैन मोर देन जब ज्यादा हमारे पास में अडेप्टिव रेडिएशन होते हैं यहां पर रेडिएशन हुआ यहां पर रेडिएशन हुआ और यहां पर रेडिएशन हुआ तब यहां से निकलकर कहां पहुंचे कहीं ना कहीं कॉमन प्लेटफॉर्म पर गए होंगे और वो क्या हो गया वो हो गया हमारे पास में कन्वर्जेंस जैसा कि आप सबने पहले मुझे आंसर दिया था कि सर विदाउट डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस इज नॉट पॉसिबल क्लियर

कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट से आए और एक जगह पर पहुंच गए हो गया कन्वर्जेंस तो विदाउट डायवर्जेंस देर इज नो कन्वर्जेंस ऐसे छोटे छोटे स्लोगन आप लोग बना लीजिए नो डायवर्जेंस नो कन्वर्जेंस क्लियर तो ये देखिए यहां पर हम लोग समझने वाले हैं डायवर्जेंस कैसे हुआ कन्वर्जेंस कैसे हुआ समझे बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिक हम लोग डायग्राम बात करें एक एरिया यहां पर एक अलग एरिया ज्योग्राफिकल एरिया यहां पर हो रहे हैं चार चार डाइवर्जेंस तो ये वन टू थ्री एंड फोर इस पर्टिकुलर एरिया में हो रहे हैं चार डाइवर्जेंस और एक और एरिया की हम बात करें यहां पर भी हो रहे हैं चार डाइवर्जेंस तो ये देखिए यहां पर वन टू थ्री एंड फोर अब जब यहां पर फोर होने वाला है तो क्या होगा फोर होते समय पर ये जो एरिया है ये इनके लिए क्या हो जाएगा कॉमन एरिया बन जाएगा दिस वुड बी कॉमन फॉर both द divergence. तो यू कैन सी द नेक्स्ट स्टेप ये देखिए क्या हो गया दोबारा देखिए यहां पर हैबिटेट बी था और इसी एरिया में जब इधर वाला रेडिएशन हुआ डाइवर्जेंस हुआ तो ये क्या हो गया हैबिटेट डी कॉमन बन गया यहां वालों के लिए और यहां वालों के लिए कॉमन तो समझ में आया दोबारा से जब डाइवर्जेंस होगा तभी कन्वर्जेंस होगा वेरी गुड बेटा हैबिटेट बी एक्सपीरियंसिंग कन्वर्जेंस नो डी डी एक्सपे एक्सपेरियंसिंग कन्वर्जेंस ओके क्लियर ना हो तो यह देखिए हमारे पास एस टू पी टू अब क्या होगा इसमें यह हमारे पास स्पीसी टू बनी और यह हमारे पास में एक और स्पीशीज पी टू बनी क्या यह आपस आप में सिमिलर होंगे क्या इनके फंक्शन सिमिलर होंगे इनके फंक्शन सिमिलर यस इनके फंक्शन यहां पर सिमिलर होंगे एक जैसे क्योंकि हैबिटेट सेम हो गया एनवायरमेंट सेम हो गया इनकी सेम रिक्वायरमेंट्स हो गई दैट्स सो आई होप अब आपको ये क्लियर होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है हमने दो तीन तरह से इसको समझा है फंक्शन सिमिलर हो चुके हैं सो कन्वर्जेंट इवोल जब होता है तो क्या होता है एडेप्टिव कन्वर्जेंस होता है इसे हम लोग बोल सकते हैं या फिर हम बात करें प्रोसेस की और इसका रिजल्ट क्या होगा इसका रिजल्ट होता है इसका रिजल्ट होता है अच्छा एस फोर इधर है ठीक है ना बेटा तो एस टू एंड पी टू की बात कर रहे हैं एस फोर तो डिफरेंट डायवर्टेड हो गया ना वन इज डिफरेंट ओके तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा एनालोग चलिए नाव हम बात करते हैं पैरल इवोल्यूशन की पैरल इवोल्यूशन क्या होता है जब यहां पर एडेप्टिव कन्वर्जेंस होता है तो क्या होता है इट इज कॉल्ड पैरल इवोल्यूशन जैसे ही हमने देखा था ना चार्ट वॉम्बेट वाला ब्राउन बियर वाला उसके अलावा हमने क्या देखा था बैंडेड एंटीटर एंटीटर लैम्यूर स्पोर्टेड कसकस मोल मार्सुपियल मोल तो क्या दिख रहा है हमें यहां पर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हमें यहां पर शो हो रही हैं। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज यहां पर शो हो रही हैं। और इसे हम बोलते हैं पैरल इवोल्यूशन पैरल इवोल्यूशन सो पैरल इवोल्यूशन अकर्स वैन दोबारा से समझाया गया है इंडिपेंडेंट बट सिमिलर स्पीशीज इन द सेम डायरेक्शन एंड दस इंडिपेंडेंटली एक्वायर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक याद कीजिए वो डायग्राम जिसमें अभी हमने देखा था वो येलो कलर से हमने जो तीन डिफरेंट एरिया में मासुबेल को भेजा था और ब्लू कलर से हमने तीन डिफरेंट प्लेसेंडल को भेजा था वो डायग्राम तो सिमिलरली यहां पर क्या हो रहा है कंसर्ट बताया गया तो क्या बोला गया से इसे बोला जा रहा है पैरल इवोल्यूशन सर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है है ना हो सकता है नेचुरल बात है क्योंकि टर्म्स मिलते जुलती हैं पर हमें घबराने का यहां पर बिल्कुल नहीं दोबारा से आप सुन लीजिए मैं सब आपको एक बार क्लियर कर देता हूं एक कॉमन जगह से जब आप डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो डाइवर्जेंस हो रहा है मल्टीपल डाइवर्जेंस हुए तो कन्वर्जेंस हो रहा है पर अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज अपने अपने एरिया को छोड़कर कहीं जा रही हैं और वो जा जा रही हैं वो जगह भी सिमिलर हो गई तो क्या बोलेंगे रिलेटेड स्पीशीज वो जा रही हैं सेम सेम जगह पर तो क्या हो जाएगा ये इवोल्यूशन हो जाएगा एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप जैसे कि हम लोग यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं किसका एग्जाम्पल लिया जाए हम लोग यहां पर बात करते हैं युवराज की युवराज जी की बात करते हैं कहां से हो बेटा युवराज तो युवराज जिस एरिया से आए हैं वहीं इनके नेबरहुड में या इनके रिलेटिव इनके कोई ब्रदर होंगे वो वहां से आए होंगे और दोनों पहुंच गए एलन डिजिटल में पढ़ने के लिए है ना दोनों पहुंच गए पढ़ने के लिए तो क्या हो जाएगा ये पैरल इवोल्यूशन है बेटा बिहार में कहां से है ना युवराज तो ये क्या हो जाएगा पैरल क्लोजली रिलेटेड हैं दोनों डॉक्टर बनना चाहते थे है ना तो इसका हम एग्जाम्पल समझेंगे यहां पर आगे एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं वही बात ऑस्ट्रेलियन मासुपियल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेसेंटल मैमल्स क्या बोला गया दोबारा से सुन लीजिए है ना ट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जब अपना एरिया छोड़कर नए हैबिटेट में जाती हैं और वहां पर भी वो सिमिलर हैबिटेट में जा रही हैं तो क्या हो जाएगा ये इसे हम बोलेंगे पैरल इवोल्यूशन अब आप सबसे एक क्वेश्चन क्विकली मुझे आंसर देना ओके बेटा युवराज आई गॉट इट सब लोग मुझे आंसर देना और क्विकली आंसर देना क्या पैरल इवोल्यूशन डाइवर्जेंस का एग्जाम्पल माना जाएगा या इसे हम लोग कन्वर्जेंस बोलेंगे क्विक आंसर इज बेसिकली डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस क्या आंसर दोगे जल्दी बताइए अभी मुझे पता लग जाएगा कि आपको समझ में आया नहीं आया हाँ ये होगा कन्वर्जेंस बिकॉज फाइनली वो जा रहे हैं सेम लगा पर आपको इस चीज पर कंसंट्रेट करना है कि सर वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज क्या अलग अलग जगह गई थी नहीं क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज एक ही जगह पर आई थी आप दोबारा से लाइन देख सकते हैं कन्वर्जेंस जब हुआ कन्वर्जेंस जब हुआ किसका क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का तो अपने आप यह समझा रहा है कि पैरेलल इवोल्यूशन किसको डिनोट कर रहा है कन्वर्जेंस को क्लियर नाउ इज इट क्लियर वेरी गुड यस नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारी एनसीआरटी में दिया गया है क्या बच्चों ये आपको एनसीआर मिला एनसीआरटी में एग्जाम्पल ये वाला ह्यूमन ब्रेन एंड लैंग्वेजेस आर एग्जाम्पल ऑफ पैरल एवोल्यूशन क्या आपने देखा इसे नहीं मिलता है ना एनसीआरटी में या होता है ये एग्जाम्पल जी हां एनसीआरटी की थ्योरी में आपको ये आंसर नहीं मिलने वाला ये मिलेगा आपको समरी में ये मिलेगा आपको एनसीआरटी की इवोल्यूशन चैप्टर की समरी में वहां पर ये लाइन लिखी गई है हमने वहीं से लाइन पिक की है और इस पर क्वेश्चन आपको मिल सकता है तो देखिए अमंग द स्टोरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन एग्जैक्टली लाइन है सेम लाइन है इज मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड अपियस टू पैरल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड लैंग्वेजेस मिल गया हाँ एग्जैक्टली exactly, सर समरी में है कितने जबरदस्त बच्चे हैं फटाफट क्रॉस चेक कर लिया होना भी चाहिए फटाफट क्रॉस चेक करो सर ने बोला समरी में हमने तो नहीं देखा फटाफट से चेक कर लो मिल गया बच्चों यस वेरी गुड अब याद भी रहेगा ना बिल्कुल और हर चैप्टर की समरी पढ़ते जाएं कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ आपको नया मिलता जाएगा क्लियर सो पैरल एवोल्यूशन इज एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंस एंड एग्जाम्पल्स आर ऑस्ट्रेलिय मार्सुपेल्स एंड करस्पॉन्डिंग प्लेसेंटल यहां पर आप ध्यान रखें करस्पोंडिंग वर्ड बहुत हमारे लिए जरूरी रहेगा करस्पॉन्डिंग प्लेसेंटल मेमल्स के साथ में ओके okay, साहब आस्था जी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन इज मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड अपियर्स

सेलेक्ट द कैक्ट ग्रुप सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मासुपीस एग्जिबिटिंग एडेप्टिव रेडिएशन अब मैं देखता हूं आप लोगों ने कितनी कंसंट्रेट होकर इसको पढ़ा था बेटा आई डोंट नो युवराज आई डोंट नो एग्जैक्टली वॉट हुट स्पॉटेड कसकस फ्लाइंग फैलेंजर अच्छा पंखड़ी यस कर रही है ओके मोल फ्लाइंग स्क्यूर तस्मानियन टाइगर कैट लेम्यूर लैम्यूर एंड एंड वुल्फ

वन वेरी गुड वेरी गुड हाँ बच्चों आप ध्यान रखिए इस चीज का थोड़ा सा रेस्पेक्टेड हम लोग टर्म्स यूज करें अपने फैकल्टीज के लिए है ना इस तरह के जो नाम आप लोग लेते हैं ठीक है ठीक है वो कॉमेडी के हिसाब से अच्छा है बट यू शुड रेस्पेक्ट है ना वॉट एवर हुई आई डोन्ट नो अबाउट दैट पर्सन बट यू शुड एटलीस्ट रिस्पेक्ट ओके ओके आस्था जो भी जो जो भी नाम लेता ठीक है ना सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू कौन सा स्टेटमेंट यहां पर ट्रू नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन यस कम ऑन स्वीट पटेटो एंड पटेटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनोलॉजी होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री फ्लिपर्स ऑफ पैंग्विंस फ्लिपर्स ऑफ पैंग्विंस एंड डॉल्फिन्स आर पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स एंड थर्ड इज एनोलोग स्ट्रक्चर हाँ अब आए हैं सागर सर एनोलोगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन So, so, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, से कौन सा सही बच्चों मंजूनाथ जी नो वन आंसर स्वीट पटेटो पटेटो क्या थे ये हमारे पास क्या होते थे इसने बोला है यहां पर कौन सा नॉट ट्रू ठीक है ना नॉट ट्रू पूछा बेटा ओके नॉट ट्रू तो ये तो सही है सेकंड भी हमारा सही है थर्ड हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या था ये क्या था फ्लाइटलेस बर्ड ये थे मैमल्स तो ये होमोलोगस नहीं होते ये एनालोगस होते हैं तो यहां पर गलत हो जाएगा और फोर्थ इज बिल्कुल सही है एनालोगस मतलब कन्वर्जेंट तो आंसर हो जाएगा वेरी गुड वेरी गुड आंसर हो जाएगा हमारा थ्री ओके चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट -फड़ से एक और क्वेश्चन आपके लिए कल बच्चे बोल रहे थे सर क्वेश्चन कराइए क्वेश्चन कराइए तो ये लीजिए धमाकेदार क्वेश्चन है ना कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना ओके okay? डॉट माइंड इट बस जस्ट मैंने आपको बोला है ना कोई भी हो ना थोड़ा सा हम लोग रेस्पेक्टिव रहे हैं ना सो इन ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल्स एंड सिमिलर है क्या बोलेंगे इसके लिए एडेप्टिव रेडिएशन हुआ था क्या डाइवर्जेंट रिवोल्यूशन हुआ था क्या साइक्लिक इवोल्यूशन हुआ था या फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ आंसर क्या हो जाएगा वेरी जा गुड okay? तो आंसर हो जाएगा ने बोला सर को लॉक कर दीजिए ठीक है क्या पॉसिबल है बच्चों पॉसिबल क्या ये प्रैक्टिकली हो सकता है कहीं पर साइक्लिक इवोल्यूशन हो सकता है क्या आप एक जगह से चले और वापस वहीं पर पहुंच गए क्या पढ़ा था हमने इवोल्यूशन इज नॉट इिवर्सिबल इवोल्यूशन इज नॉट इिवर्सिबल यस बिल्कुल मंजुनाथ ओके तो ये रिवर्सिबल नहीं होता है दैट्स वाई है ना और चलिए आगे अब हमारे पास आते हैं एम्ब्रियोलॉजी वाले एविडेंसेस थोड़ा सा ध्यान से सुने से भी हम लोग है ना एनसीआरटी में इसको थोड़ा ब्रीफ में लिखा गया पर हम इसको यहां पर एलोबरेट करके बात कर रहे हैं ियर्स लॉ क्या था तो यहां पर वॉन बियर ने दिया इन्होंने बोला क्या बोला इन एम्ब्रिक स्टेजेस जनरल कैरेक्टर्स फर्स्टली एंड कैरेक्टर्स लेटर जैसा आपका इवोल्यूशन हुआ आप कहां से बने बच्चों इनवर्टिबेट से पाइसिस से बिल्कुल मंजुनाथ जी पाइसिस से आप लोग बने हैं पाइसिस एम्फीबिया रेप्टाइल्स एव्स एंड बर्ड्स बनते गए डायवर्सिकेशन होता गया तो क्या होगा पहले हमारे पास में एम्ब्रोडिक स्टेजेस में पाइसिस एम्फीबिया रेप्टाइल्स वाले क्रैक्टिस होने चाहिए और बाद में हम लोग सेग्रीगेट होते चले जाते हैं एम्ब्रियो जो है वो स्पेशलाइज होता चला जाता है तो सेम यहाँ पर इन्होंने बताया ये देखिए हमारे पास एक एनसीआर का डायग्राम है ना जो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं एनिमल किंगडम में हम लोग को तो देखते हैं तो यहाँ पर क्या है नोटोकॉड दिख रहे हैं हमें नोटोकॉड वर्टिवेट्स की बात कर रहे हैं हॉलो नर्वकॉड है उसके बाद में फेरेंजल हमारे पास यहाँ पर पाउचे हैं जो कि बाद में गिल्सिल्स की तरह यहाँ पर काम करेंगे टेल होती है पोस्ट एनल टेल और यहां पर है माउथ है ना तो ये सब कहां पर है इनिशियल लेवल पर पर बाद में क्या होगा बाद में धीरे 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 ये चीजें यहां से स्पेसिफिक होता चला जाएगा टेल हट जाएगी गिल हट जाएंगे अगर ह्यूमन कैमरों की, की बात करें चलिए अब हम बातें हैं बायोजेनेटिक लॉ पर हैकल ने यह लॉ दिया था एक्चुअली जो वॉन वॉनबियर ने जो बातें कही उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की किसने अंस्ट हैकल ने तो देखिए अंस्ट है एक्सप्लेन दिस थ्योरी इन डिटेल ये जो एम्ब्रोलॉजी की जो बात की उसको और ज्यादा समझाया किसने हैकल ने और इन्होंने क्या बोला repeat, कहीं कहीं परिपीट वर्ड लिखा होता है, पर exactly क्या है? So, क्या है तीनों का देखिए एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट रिकेप्चुलेट मतलब रिपीट मतलब करता है अपने मतलब रिपीट और फाइलोजेनी मतलब यहां पर जो आए Phylogenie मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इसका मतलब क्या हो गया अगर एक ह्यूमन का एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है मंथ में इसका मतलब वो मिलियंस ऑफ की स्टोरी को रिपीट करेगा यस यस और और नो नो आपने देखा ना रिकैप आप देखते हैं जो सीरियल्स में सीरियल्स में आता है ना रिकैप अब तक आपने देखा होता है ना ऐसा उसमें बहुत जल्दी जल्दी चीजों को, को समझा दिया जाता है तो कुछ कुछ ऐसा आप समझ लीजिए कि नाइन मंथ में वो पूरी हिस्ट्री को यहां पर रिपीट करने की कोशिश की जाएगी ऐसा कल ने समझाया क्लियर यस सो क्या बोला इन्होंने अब ये लाइन हमारे पास एनसीआरटी की लाइन अगेन तो समझे इस बात को इट वॉज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर्स सर्टेन फीचर्स की यहां पर बात की गई है ओके ड्यूरिंग एम्ब्रोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिबेट्स कॉमन टू ऑल वर्टिबेट्स एम्ब्रोनिक स्टेज में क्या होगा सबके लिए वो कॉमन रहेगा दैट आर एबसेंट इन दैट आर एबसेंट इन एडल्ट फॉर एग्जाम्पल ऑफ ऑल वर्टिवेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप अ रो ऑफ वेस्टिजल क्या समझ में, आया? इसका मतलब, में हमारा जो ह्यूमन का जो एम्ब्रियो है क्या उसमें गिल्सिट्स होती हैं? फेरेंजल गिल्स जो हमने अभी देखा था वो क्या होंगे वहां पर यस ऑब्वियसली वहां पर क्या आर एबसेंट इन एडल्ट जैसा कि ऑल वर्टिबेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन Human को भी इंक्लूड किया जा रहा है डेवलप अ रो फल ग्रिस्लिट्स जस्ट द हेड बट अब आ गया यहां पर क्या बट किंतु लेकिन परंतु है ना यही पर आकर गड़बड़ होती है ना तो बट लगा दिया हमने इट इज फंक्शनल इट इज फंक्शनल ऑर्गन ओनली ऑर्गन ओनली इन फिश एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर वर्टिबेट फिशेज ही तो एक्विटिक हैं जबकि एम्फीबिया एम्फीबिया

डिस्प्रूवन द बायोजेनेटिक लॉ बिफोर है यह जो अपना कंसेप्ट दिया था एटीन सिक्स में दिया था एटीन सिक्स में पर अगर हम वन बार करें तो एटीन ट्वेंटी एट में बहुत पहले है ना तीस चालीस साल पहले हम लोग लेके चले इन्होंने इसको पहले से नकार दिया था पहले से इसको इग्नोर कर दिया था क्लियर ही ऑब्जर्व दैट अब इन्होंने क्या देखा ही ऑब्जर्व दैट एम्ब्रियोज वर पास थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ द एनिमल्स अब ये जो लाइन है यहां पर मुलर के लिए बोली गई मुलर एक मूलर भी यहां पर थे प्रपोज किया था उनकी बात को यहां पर बोला गया इन्होंने भी इन तरह के कंसेप्ट को नकार दिया क्या बोला गया कि एडल्ट स्टेजेस में कभी भी एम्ब्रियो उस एडल्ट स्टेजे से नहीं जाता कैसा पॉसिबल है प्रैक्टिकली किन के एम्रियो में पाइसिस के एडल्ट वाले फीचर्स आ जाए या रेप्टाइल्स के एडल्ट वाले फीचर आ जाएं या एम्फीबिया वाले फीचर्स आ जाएं ऐसा हो सकता है पॉसिबल ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होगा वरना क्या होगा एक छोटा सा एग्जांपल लें आप इमेजिनेशन करें है ना बड़ा मजा आएगा एक आंटी है उनकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ चल रहा है वो चले गए डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब वो अल्ट्रासाउंड कर दीजिए और जो भी आपका डायग्नोसिस से कर दीजिए तो क्या हुआ पहले मंथ में जब डायग्नोसिस किया अल्ट्रासाउंड किया तो डॉक्टर साहब ने देखा कि आपका बेबी अभी मछली जैसा है फिश जैसा है है ना फिश जैसा दिख रहा है तो आंटी बड़ी खुश डॉक्टर साहब बड़े खुश और फिश की तरह आराम से इम्यूनिटिक फ्लूड में तैर रहा है आंटी गई अगली बार क्यों आंटी गई थ्री मंथ्स में अब इस बार क्या हो गया बेबी बन चुका है एम्फीबिया आपका बेटा फुदक रहा है कुदक रहा है है ना पेट के अंदर उसके बाद जब आंटी गई फिफ्थ में तो क्या होगा फिफ्थ मंथ में जब गई अपना चेकअप कराने के लिए तो कॉग्रेचुलेशन आपका बेटा इस बार कोबरा बन चुका है रेप्टाइल बन चुका है और नाइन मंथ आते आते जी हाँ बिल्कुल समझ गए और नाइन मंथ आते, आते आते आपका बेटा बेटा आपका इंसान जो बच्चा था वो बेबी बॉय या बेबी गर्ल बन चुके हैं वापस से इंसान तो ऐसा होता है क्या नहीं होता ओके दैट्स वाई हाँ बिल्कुल बेटा अजीब सा होगा है ना आंटी शॉक डॉक्टर रॉक बिल्कुल बिल्कुल प्रियांशु तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है तो क्लियर हैकल ने क्या बोला वनबेयर ने क्या बोला और एक्चुअली पोजिशन क्या थी चलिए आप सबने बात करते हैं हाँ मजा आया ना आकृति इस तरह के एग्जाम्पल से याद रहेगा आप सब लोगों को वेरी गुड ना डायनासोर नहीं बनने वाला ये देखिए अर्ली एम्ब्रियो लगभग लगभग एक जैसे दिख रहे हैं एक्चुअली क्या होता है सब एक जैसे दिख रहे हैं आप डिस्टिंग कर सकते हैं क्या ह्यूमन का कौन सा है चिकन का कौन सा है है ना और इसके अलावा हमारे पास में टोटोस का कौन सा है फिश का कौन सा है सब लगभग लगभग एक जैसे यहां पर दिख रहे हैं इसके बाद मिड स्टेज में जब गए तो क्या हो गया यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस लगने लगा ये कुछ कुछ फिर जैसा लगने पड़ा ये हमारे पास से जैसा लग रहा है ये ये चिकन और ये ह्यूमन का और आगे चलकर जब लास्ट स्टेज आएगी तो ये यह देखिए यहां पर क्या हो गया फिश बिल्कुल साफ साफ हमें शो हो रहा है इसके बाद में सलामेंडर एम्फीबियन विद टेल एम्फीबियन विद टेल है सेलमेंडर टोटोइस कछुआ है ना टोटॉइस टर्टल्स इसके बाद में चिकन और ह्यूमन तो क्या देख रहे हैं हम लोग हम लोग इस तरह से चले थी और हमारे पास भी पूछ थी तो आप सबके पास छोटी सी पूछ हुआ करती थी जब आप एम्ब्रियो थे क्लियर ओके चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की बात करें इस तरह की चीजों के लिए तो क्या था यहां पर

अब हमारे पास आता है एक और यहां पे कंसेप्ट वो है हमारे पास में क्या बायोलॉजिकल बायो बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने लास्ट टाइम बात की थी एविडेंसेस की तो हमने क्या क्या एविडेंसेस देख लिया यहां पर हमने फॉसिल वाले एविडेंसेस देखे उसके बाद हमने एम्ब्रोलॉजी वाले एविडेंसेस देखे उसके बाद हमने यहां पर मॉर्फोलॉजी एनाटोमी के एग्जाम्पल देखे और अब हम आ गए हैं बायो बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेटा एम्ब्रियो बताया ना आपको अबिरा वर्टिवेट्स का एग्जाम्पल लिया था तो सभी वर्टिवेट्स का कॉमन ऑरिजिन चलता जाता है धीरे 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 वो स्पेसिफिक होते चले जाते हैं चलिए देखें यहां पर स्टडी ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी प्लांट स्पीशीज का अलग अलग एरिया में फ्लोरा फ्लोराफोना का अलग अलग एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हां इस तरह का रेवल्यूशन हुआ होगा तो ये देखिए आगे इन साउथ अमेरिका ये हमारे पास वापस एनसीआर उस कंटेक्सट है हमारे पास में इन साउथ अमेरिका मेमल्स असेंबलिंग हॉर्स हिपोपोटेमस बियर रैबिट एटसेट्रा वर प्रेजेंट इन साउथ अमेरिका ये सब तरह के हमारे पास जो मैमल्स थे वो प्रेजेंट थे ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ अलग अलग तरह के यहां पर क्या होगा गैप आ गया बीच में पर ओशियन बन गए कुछ आपस में जुड़ गए कुछ ब्रेक हो गए टूटकर अलग हो गए वेन साउथ अमेरिका ज्वाइंट नॉर्थ अमेरिका मतलब साउथ और नॉर्थ अमेरिका अलग अलग होते थे आकर जुड़ गए अटैच हो गए दीज वर ओवर बाय ओवर बाय नॉर्थ अमेरिकन फोना नॉर्थ अमेरिकन जो फोना होते थे उनके थ्रू ओवरइड कर दिया मतलब इस तरह के जो एनिमल्स हैं इनको खा लिया या इनको मार दिया किसको इस तरह के एनिमल्स को कौन से साउथ अमेरिका और जब नॉर्थ अमेरिका अटैच हुए तो अम, नॉर्थ अमेरिकन जो हमारे पास में फोना था जो एनिमल्स थे उन्होंने साउथ अमेरिका वाले एनिमल्स को खा लिया ओके बट इज इन डिटेल ओके इन प्रीस्टोरिक टाइम ऑस्ट्रेलिया वॉज अ पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट ये थोड़ा हिस्ट्री बताई गई है ओके okay, विजय थोड़ा सा हिस्ट्री बताई गई है कि पहले क्या था एशिया का पार्ट था आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ प्रोटोथीरियंस फ्रॉम रेप्टाइल्स ऑस्ट्रेलिया गॉट सेपरेटेड फ्रॉम मेनलैंड ऑफ एशिया ये को था बच्चों ठीक है वेदांतु ये एक को था कि जब मैमल्स बन रहे थे क्या बने प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया यूथीरिया उस टाइम पर उस टाइम पर मैनलैंड ऑफ एशिया क्या हो गया था यहां पर डिफ्रेंशिएट हो गया था अलग हो गया था एशिया से ऑस्ट्रेलिया लेटर ऑन यूथीरिया मेमल्स इवॉल्ड इन एशिया विच वर कारिवोरस इन नेचर एंड दे डिस्ट्रॉयड प्रोटोथीरियंस एंड मास बच्चों एक बार दोबारा आप लोग रिलेट कर लीजिए मैंने आपको बताया था किस तरह से डेवलपमेंट हुआ प्रोटोथीरियंस उसके बाद में मैटाथीरियन और यूथीरिया तीनों नाम यहां पर मिल गए आप लोगों को यहां पर आपको प्रोटोथीरिया भी दिख रहा है यहां पर आपको यूथीरिया भी दिख रहा है और यहां पर आपको मासुपियल्स यानी कि मेटाथिर भी दिख रहे हैं सो क्लियर वेरी गुड प्रियांशु यू आर गोइंग वेरी गुड यू आर डूइंग वेरी गुड ओके फ्रॉम एशिया बट पाउज मैमल्स पाउज मैमल्स यानी कि मासुपेल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव बिकॉज बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन और ये जो लाइन है ये आपके लिए कई बार आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा तो हम यहां लगा लेते हैं स्टार सर्वाइड बिकॉज लैक ऑफ कंपिटिशन लैक ऑफ कंपिटिशन फ्रॉम एनी अदर मेमल्स, एनी अदर मेमल्स समझना बात को एशिया ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट अलग अलग हुए जब ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ तो वहां पर यूथिरिया इतने ज्यादा नहीं थे सिंपल से मैं वर्ड में अगर बात कर लू तो वहां पर लॉयस वगैरह नहीं थे ठीक है तो कंगारू और ये कैंगरू वगैरह जो थे ये बहुत अच्छे से डेवलप होते गए पर फिर बाद में फिर बाद में यह सब कैसे हुआ तो बाद में जब ह्यूमन वहां पर गया तो अपने साथ में कुछ एनिमल चले गए या किसी भी तरह से किसी मोड़ से वहां पर ये कार्निवोरस एनिमल भी चले गए बाद में बट इनिशियल कंडीशन में इनिशियल कंडीशन में यहां पर क्या हुआ था मार्सुपेल्स अपने आराम से ग्रोथ कर रहे थे बिकॉज कोई भी उनको मारकर खाने वाला उस टाइम पर नहीं था क्लियर आई होप आपको ये पूरा समझ में आ चुका है कि किस तरह से डिफ्टिंग हुई है जब टूटकर अलग हो रहे हैं तो क्या हो रहा है और जब अटैच होकर पास में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है ओके okay? और अगर आप सोचिए ऑस्ट्रेलिया और एशिया अगर अटैच अगर, अगर ये डिटैच नहीं होते अलग अलग नहीं होते तो क्या होता क्या मास बन पाते नहीं बन पाते बिकॉज यूथिया उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते तो आपको कैंग्रो वगैरह यहां पर देखने को नहीं मिलते ओके क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थोड़ा सा हमारे पास ये इवोल्यूशन वाला पार्ट आ चुका है ओके okay? सो so यहां पर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरी क्या क्या है तो हम लोग बात कर रहे हैं लमार्किज्म के बारे में बात करेंगे डार्विनिज्म की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं म्यूटेशन थ्योरी और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन की हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं ओके okay? चलिए जी बात करते हैं सबसे पहले Lamarckism की Lamarck ने क्या बोला और डार्विन ने क्या बोला सब अलग अलग पॉइंट्स यहां पर आएंगे फर्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो दी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो दी वो किसने दी फर्स्ट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन दी थी हमें लेमार्क ने क्या बताया दिस थ्योरी इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और थ्योरी ऑफ यूज ऑफ डिस यूज ऑफ ऑर्गन्स यह जो लाइन है यहां से लेकर यहां तक यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस आप सबको पता है इनहेरिटेंस क्या होता है इनहेरिटेंस मतलब हैरिटेड आना सिमिलरिटी लेकर आना है ना और वेरिएशन क्या होते हैं डिफरेंस लेकर आते हैं तो जब आप कोई किसी कैरेक्टर को एक्वायर कर लेते हो तो वो आपकी नेक्स्ट प्रोजेनी में भी चला जाएगा एग्जाम्पल के लिए जब हम लोग एप्स थे हमारे पास पूछ हुआ करती थी मंकी थे बाद में क्या हुआ यहां से ये जो टेल हमारी धीरे धीरे गायब हुई एकदम से नहीं हुई बहुत टाइम लगा किस वजह से क्या कॉज था नीड ऑफ एनवायरमेंट एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ा फॉलो करना पड़ा उसके अकॉर्डिंग हमने यहां पर एक्वायर करिए तो क्लियर और अगर आप किसी ऑर्गन को यूज करेंगे तो वो यूज होता रहेगा और डिसयूज करेंगे तो वो वहां पर धीरे धीरे जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर वहां से हट जाएगा वेस्टिजल बन जाएगा अब यहां पर कुछ प्रोपोजिशन उन्होंने दी थी इंटरनल वाइटल फोर्सेज कुछ ऐसे फोर्सेज हैं जिसकी वजह से यहां पर चेंजेस आते हैं इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स मुझे सबसे बढ़िया जो कंसेप्ट लगता है वो ये वाला एनवायरमेंट की जरूरत है जरूरत जो हमारे पास न्यू नीड उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा इसके अलावा यूज एंड डिसीज ऑफ ऑर्गन जैसा भी हमने बात की और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर ये सब क्यों हो पाएंगे ये दोनों के दोनों जो डिपेंड करते हैं किस पर आर यू एग्री विद दिस लाइन जब आपको जब आपको यहां पर यूज एंड ऑफ ऑर्गन करना है या फिर ऑफ इनहेर करेक्टर करना है कैसे होगा सब कुछ डिपेंड करता है एनवायरमेंट की एनवायरमेंट के ऊपर एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है क्लियर चलिए आगे देखें एविडेंसेस क्या क्या था यहां पर एविडेंसेस प्रूफ करने के लिए एनसेस्टर ऑफ जिराफ हैड है स्मॉल नेक एंड लिम्स हमने फर्स्ट वीडियो देखा था छोटा सा जिराफ और धीरे धीरे क्या हुआ उसके अंदर धीरे धीरे वो एक लंबे गर्दन वाला जिराफ बन गया था Toes of aquatic birds. Aquatic bird, जैसे हम देखते हैं हैं? ना वगैरह, तो उसमें क्या होते है? उनके हो गए थे. करते-करते उनमें आ गया था. Disappear of limbs in snake. के जो हाथ पैर थे पैर थे, थे गायब हो गए क्यों बार बार इनको फरो में बिल में जाना पड़ता था बार बार आना जाना आना जाना तो क्या हो गया इनके हाथ पैर लिम्स वहां पर अड़ते थे ऑप्शिकल बनाते थे इन्होंने क्या बोला हटा देते हैं छोड़ो इन हाथ पैर को हम तो रैंकर चले जाएंगे बिल में घुसना है अपनी चॉइस है बच्चों तो क्या किया इन्होंने अपने हाथ पैर हाँ छोड़ दिए रिलीज कर दिए और अब ये चलते हैं रेंग रेंग कर, ना? लेमार्स लेमार्स किसने किया इसको लेमार को क्रिटिसाइज किसने किया वीज मैंने अपनी थ्योरी दी थी क्या किया था वीज मैंने क्या किया था याद है इसका एग्जाम्पल इन्होंने जर्म प्लाम के लिए क्या किया एग्जाम्पल ट्वेंटी जनरेशन ऑफ माउस जो थे उनकी पूंछ काट दी थी उनकी पूंछ काट दी थी इन्होंने लगा इनको लगा कि वो पूंछ ट्वेंटी थर्ड जनरेशन में आ जाएगी नहीं आई क्यों बच्चों क्या रीजन है आपको क्या लगता है बिकॉज फिर से वही पॉइंट आता है ये रिक्वायरमेंट नहीं थी ये एनवायरमेंट की नीड नहीं थी आर यू एग्री विद दिस ये एनवायरमेंट की नीड नहीं थी ये इन्होंने प्रैक्टिकली अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के लिए काटा तो वो पूछ इस तरह से नहीं जाने वाली नेक्स्ट एग्जांपल बेटा सब कुछ कवर करेंगे ठीक है क्यूट बोरिंग ऑफ ईयर पिन्ना एंड नोस इंडियन जानते हो ना नाक में पहनते हैं कोका कान में जो पहनते हैं वो है ना क्या बोलते हैं उसको आप लोग अरे वो कान में जो पहनते हैं ना आप लोग हा बाली वाली जो भी हम लोग बोलते हैं तो बोरिंग ऑफ ईयर पिन्ना एंड नोज यहां पर क्या छेद कर दिया गया तो क्या अगले जनरेशन में छेद हो जाता है अपने आप नहीं होता बिकॉज ये रिक्वायरमेंट नहीं है हम एनवायरमेंट की नीड नहीं है इसके बाद में आगे चलते हैं चाइनीज वुमन यूज टू वियर आयरन शूज वहां पर क्या होता है वहां पर छोटे पैरों को ब्यूटीफुल माना जाता है जिन गर्ल्स के पैर छोटे होते हैं उनको ब्यूटीफुल माना जाता है उन्हें लोहे के जूते पहना जाते हैं काफी पेनफुल प्रोसेस है पर उसके बावजूद भी आज तक भी वहां पर क्या हो रहा है वो पैर छोटे नहीं हो पाए बिकॉज ये भी एनवायरमेंट की जरूरत नहीं थी नीड नहीं थी आर्टिफिशियली किया जा रहा है तो इस केसेस में क्या होगा उनका जर्म प्लान चेंज नहीं होने वाला एक्वायर्ड ऑफ एनडेंस नहीं आने वाला क्लियर हाँ इयर रिंग बोलते हैं लक्ष्मी ने बता दिया लक्ष्मी पहनती हैं, फटाफट आंसर दे दिया है रिंग्स झुमका वाह भाई, गर्सिज्म जब हमने देखा जब हमने देखा कि बहुत सारी कमियां तो इसको सुधारा गया इसके अंदर करेक्शन किया गया और बना दिया गया लियो नियो लेकिन बना गया क्या था इसके अकॉर्डिंगली चेंजिंग एनवायरमेंट मे क्रिएट वापस बात आ गई कौन क्रिएट करता है चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट होगी नीड होगी तभी काम होगा का ना तो मे क्रिएट सम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन इनगेजम विच अफेक्ट देर जर्म प्लाज ऑल्सो एंड सच एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कैन इनहेरिट हम लोग आप लोग एक मंकी से ह्यूमन कैसे बने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे जैसे आपके चेंज होते एनवायरमेंट धीरे धीरे मिलियंस ऑफ इ में जाकर आपके अंदर वो जो जर्म प्लाज में जो चीजें आई जो चेंजेस आए वो आपके क्रोमोसोम के साथ पहुंचे और आज हमारे पास वो इनहेरिट हो चुके हैं हम लोग मॉडिफाइड हो चुके हैं तो ये यहां पर समझाया गया एक्सपेरिमेंट्स वर डन टू सपोर्ट दिस थ्योरी बट दे वर नॉट कन्विंसिंग एंड सेटिस्फैक्ट्री बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए पर वो यहां पर जो है हा जिसे पहने जाएंगे उनको तो छोटा रह जाएगा सर हाँ उनके लिए तो है पर और के लिए नहीं है ना बेटा ठीक है

उसे कर दिया व्हाट्सएप किसे डार्विन सर को है ना उस टाइम पर क्या किया बनाकर व्हाट्सएप कर दिया जी कर दिया और तुरंत डार्विन सर ने पढ़ा उसे और क्या हुआ और क्या हुआ और यहां पर इनके कंक्लूजन सेम मिले तो डार्विन ने इस चीज को अपने साथ में इस कंसेप्ट को यूज किया दिस थ्योरी वॉज लेटर ऑन एक्सप्लेन बाय डार्विन हाँ बेटा पलक वो एक हम लोग जनरली बात कर रहे हैं ना ठीक है अगर हम लोग बात करें इनिशियली तो वो है ना मंकी के फॉर्म में माना जाता है ओल्ड मंकी न्यू वर्ड मंकी ठीक है पलक आपने पढ़ा था ना ओल्ड वर्ल्ड मंकी या न्यू मंकी तो आप किसका एग्जाम्पल हो ओल्ड वर्ल्ड मंकी का क्लियर दिस थ्योरी वॉज लेटर ऑन एक्सप्लेन बाय डार्विन इन हिज बुक ऑन द ऑरिजिन बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बच्चों डार्विन की बुक्स का नाम ध्यान रखना जरूरी है है ना तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखें डारविन क्या बुक दिखी थी ऑरिजिन स्पीशीज पूरा नाम क्या था बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको नाम एटलीस्ट यहां पर याद होना चाहिए बेसिक कंसेप्ट क्या था डार्विनिज्म का तो चलिए देखें ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर टू की कंसेप्ट ऑफ डार्विनिज्म टू की डारूनिज्म इनके पास तो क्या क्या था नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल अब ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन ये दोनों वर्ड्स क्या होते हैं ब्रांचिंग डिसेंट मतलब ब्रांच हो जाना डिसेंट मतलब प्रॉपर वे में एक डिसेंडेंट की तरह से बनते जाना कुछ चेंजेस आते जाना ठीक है और नेचुरल सिलेक्शन क्या है नेचर सेलेक्ट करेगा ऑर्गेजम को क्यों बच्चों क्या नेचर सेलेक्ट करता है ऑर्गेजम्स को या फिर ऑर्गनिजम सेलेक्ट करते हैं नेचर को क्या आप नेचर को सेलेक्ट करते हैं या फिर नेचर आपको सेलेक्ट करता है ठीक है तो नेचर हमें सेलेक्ट करता है जी हां नेचुरल सेलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल फैक्चुअल मतलब फैक्ट है रियल है डार्विन क्या थे डार्विन ने क्या कंक्लूजन बनाए ओवर प्रोडक्शन स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस इसके साथ साथ में नेचुरल सेलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज ये कुछ कंसेप्ट ओवर प्रोडक्शन मतलब बहुत ज्यादा प्रोजेनी बनाना जितनी ज्यादा प्रोजेनी बनाएंगे उतना ज्यादा उनका सर्वाइवल रहेगा वो बच पाएंगे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस सबका अपना अपना स्ट्रगल होता है सर्वाइव करने के लिए तो वो यहां पर स्ट्रगल की बात की गई है और वेरिएशन एंड हेरिडिटी वेरिएशन हेरिडिटी वेरिएशन चेंजेस लेकर आते हैं और हेरिडिटी लेकर आती है सिमिलरिटी याद कीजिए आप लोग आई थिंक आपने नाइन्थ या टेंथ क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा है ना एंड वेरिएशन बस वही चीज है उसे यहां पर डार्विन ने अपने में यूज किया हुआ है है ना तो नाइन्थ में आपने जो पढ़ा वो आज यहां पे आपको एज एसडेस मिल रहा है नेचुरल सिलेक्शन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कौन करेगा जिसकी प्रोजेनी ज्यादा होगी सेक्सुअल यानी कि हम लोग बोलेंगे आप फिटनेस की बात करेंगे वही सर्वाइव कर पाएंगे और ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज और जब ये सब कुछ होगा सर्वाइव करेंगे एक नई वैरायटी बनेगी तो इसका मतलब ओके बेटा बिल्कुल बेटा तो उस केस में यहां पर नई स्पीशीज बनेगी यानी कि हो जाएगा क्या इवोल्यूशन तो समझ सकते हैं आप लोग रिलेशन इसका हो जाएगा इवोल्यूशन नई स्पीशीज बनने का मतलब इवोल्यूशन हो जाना क्लियर तो चलिए टाइप्स ऑफ स्ट्रगल किस तरह की यहां पर स्ट्रगल होता है हम लोग बात करते हैं तो यहां पर इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल और एनवायरमेंटल स्ट्रगल इंट्रा मतलब विद इन स्पीशीज विद इन स्पीशीज एक ही स्पीशीज के बीच में ज्यादा होगा किस किस के लिए फूड के लिए हैबिटेट के लिए और मैटिंग के लिए फूड हैबिटेट और रिप्रोडक्शन के लिए जबकि है में क्या होता है टू डिफरेंट डिफरेंट के अंदर होगा किसके लिए होगा ये ये होगा फूड के लिए और हैबिटेट के लिए यहां पर मैटिंग वर्ड यूज नहीं किया जाएगा और फाइनली हमारे पास आता है एनवायरमेंटल स्ट्रगल एनवायरमेंटल स्ट्रगल क्या होता है एनवायरमेंट से स्ट्रगल और ये तो सभी को करना पड़ेगा चाहे वो जिराफ हो चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो श्रू हो कि बच्चों यस और नो सभी को करना पड़ेगा किसके साथ एनवायरमेंट के साथ तो चलिए देखें यहां पर हमारे पास आता है कोल्ड हीट विंड रेन ड्रॉट फ्लड सर्दी गर्मी बरसात तूफान आंधी सूखा बाढ़ ये सब जो वर्ड्स हैं सबको स्ट्रगल करना पड़ता है कोई नहीं बचता जब नेचुरल आपदाएं आती हैं है ना एनवायरमेंटल जो डिजास्टर्स आते हैं तो सबको स्ट्रगल करना पड़ता है ओके चलिए वेरिएशन हेरिटेज क्या होता है तो पर हमने देखा fact, no हम आप लोग जानते हैं अच्छे से हमारे मच्छर को भी पूरे वर्ल्ड में इतनी जो है में क्या हम लोग हैं नहीं सब में कुछ ना कुछ चेंजेस हैं बिकॉज और जीन्स और क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन इज डिफरेंट दैट्स वाई दोस्ट विच आर इनेबल टू सरवाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन क्लाइमेट फूड फिजिकल फैक्टर एक्सेट्राइ आर कॉल्ड एडेप्टिव और यूजफुल वेरिएशन वाइल अदर आर कॉल्ड नॉन एडेप्टिव और हार्मफुल वेरिएशन ऐसे वेरिएशन जो आपको उस नए एनवायरमेंट में अडोप्ट करने में हेल्प करें सर्वाइव करने में हेल्प करें विच आर एडेप्टिव और जो हार्मफुल हो नुकसान हो वो क्या हो जाएंगे नॉन एडेप्टिव और हार्मफुल वेरियंस नोवल्टी द नोवल्टी एंड बिलियन इन साइड ऑफ डारविन वॉज हीड दैरियशन की बात की विच आर हेरिटेबल एंड विच मेक्स द रिसोर्सेज इेशन बेटर फॉर फ्यू अडेप्टन अडेप्टेड टू हैबिटेट विल इनेबल ऑनली दो रिप्रोड्यूस एंड लिव मोर प्रोजे मतलब क्या हुआ यहाँ पर कंक्लूजन निकल कर आता है इन्होंने जो वेरिएशन बताया किसके लिए बताया? जहां पर प्रोजेनी ज़्यादा होगी यानी कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज़्यादा प्रोजेनी, ज़्यादा वहाँ पर सर्वाइवल होगा और इसके बाद में क्या होगा इसके बाद में ज्यादा वेरिएशन आते जाएंगे जितने ज्यादा वेरिएशन होंगे उतनी ज्यादा नई स्पीशीज बनने के चांसेस रहते हैं चलिए जी आगे हम लोग बढ़ते हैं नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है बस इसको थोड़ा हम लोग फिनिश करने वाले हैं फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे तो चलिए नेचुरल सिलेक्शन आपसे मैंने अभी पूछा था क्वेश्चन क्या नेचर आपको सेलेक्ट करता है या आप नेचर को सेलेक्ट करते हैं क्या आंसर होगा क्या होगा आप नेचर को सेलेक्ट करते हैं या फिर नेचर आपको सेलेक्ट करता है

मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन तो मोर प्रोजेनिक मतलब रिप्रोडक्टिवली ज्यादा फिट दीज आर नॉट फिजिकली फिट यहां पर फिजिकल फिटनेस की बात नहीं की जा रही है अगर फिजिकल फिटनेस की बात की जाती तो डायनासोर कभी भी एक्सटेंट नहीं होते यहां किसकी बात की जा रही है मोर प्रोजेनिक की बात की जा रही है जी हां फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू एडप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर कौन से फिटनेस कौन से फिटनेस जी हां तो यहां पर देखिए यह है हमारे पास में रिप्रोडक्टिव फिटनेस रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात की गई अल्टीमेटली हम लोग घूम फिर कहां पर आ जाते हैं अल्टीमेटली एंड ओनली टू द रिप्रोडक्टिव फिटनेस मोर 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 प्रोजेनी न्यू स्पीशीज के यहां पर चांसेस बढ़ जाएंगे जी हां इट्स दैट एडल्ट इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन डोंट हैव इक्वल चांसेस ऑफ मीटिंग सबको यहां पर मीटिंग के चांसेस नहीं मिलते हैं सम मेल्स विद बेटर फिनोटाइप्स आर प्रेफर्ड बाय फीमेल्स दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल सिलेक्शन

और इतने चेंजेस आ जाएंगे धीरे धीरे करते हुए इतने चेंजेस आ जाएंगे कि एक नई यहां पर स्पीशीज बन जाएगी हैंस न्यू फॉर्म्स अपियर्स टू अराइज और मतलब नई स्पीशीज बनने का मतलब हो जाएगा यहां पर इवोल्यूशन ये यहां पर समझाया गया जी हां अब क्रिटिसाइज इनको भी क्रिटिसाइज किया गया क्यों किया गया इनको क्रिटिसाइज क्यों किया गया क्योंकि ये कुछ चीजें नहीं समझा पाए थे क्या नहीं समझा पाए तो देखिए डिडंट हैव नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स एंड ही हैड नो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन फॉर द कोज ऑरिजिन वेरिएशन इन्हें जेनेटिक्स की अच्छी चीछ खासी नॉलेज नहीं थी जैसा आपने सुना ना ना के साथ क्या हुआ था मैंडल भी जीन के लिए फैक्टर वर्ड यूज करते थे है ना उनको भी फैक्टर पता था एलिस्ट वगैरह का तो इनके साथ भी ऐसा हुआ इन्होंने बोल तो दिया वेरिएशन है बट व्हाट इज वेरिएशन व्हाट इज जीन व्हाट इज एलिल इन्हें ये सब चीजें पता नहीं थी और इस वजह से इनको क्रिटिसाइज किया गया था उसके अलावा सरवाइवल ऑफ द फिटेस्ट उन्होंने बताया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैसे होगा पर ये नहीं बता पाए कि अराइवल ऑफ फिटनेस कैसे होगा कैसे वो पर्टिकुलर स्पीशीज फिट बन पाएगी इनिशियली क्या होने वाला है वो भी ये नहीं समझा पाए कि वो अपनी पीक अपने डोमिनेंट जो स्टेज है वहां पर कैसे पहुंच पाएगी वो भी नहीं समझा पाए हां मैथमेटिशियन टाइप के थे बच्चों डार्विन वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन वाई इन पॉपुलेशन ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल्स डेवलप यूजफुल वेरिएशन एंड अदर्स हैव हार्मफुल वेरिएशन अगर आपसे एक पॉपुलेशन की बात जा, की जाए मान लिया डियर की पॉपुलेशन है या लॉयन की पॉपुलेशन है कुछ अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं और कुछ वहां पर डिजेनरेट होते जा रहे हैं एक्सटेंट होते जा रहे हैं वाय यह भी नहीं समझा पाए और फाइनली एक और इनको यहां पर क्या हुआ एक और इनको क्रिटिसिज्म का यहां पर फेस करना पड़ा सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में इनसे क्या क्वेश्चन पूछा गया वाय ओनली फीमेल्स हैव द राइट टू सिलेक्शन फॉर मेटिंग फीमेल्स को ही यहां पर सिलेक्शन का राइट क्यों है मेटिंग करने के लिए यह भी यह नहीं समझा पाए आपने सुना स्वयं वर्ग स्वयंवर वर सुना आप लोगों ने

सोमेटिक एंड जर्मिनल वेरिएशन नहीं समझा पाएंगे जिसे यहां पर जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं थी वो कभी भी इस तरह की चीजें नहीं समझा सकते ओके तो चलिए अब हम लोग कल बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में और नए टॉपिक्स को लेकर चलिए थैंक यू गुड नाइट वेलकम टू एलन Alan is here to guide you on your special journey. Whether you're in class six to tenth or preparing for exams like NEET and JEE, Alan is your expert companion. Our online programs are designed just for you, with excellent teachers, study materials, and support for both students and parents. We use advanced technology to make learning enjoyable. Have questions? No worries. Alan assists you with doubts on the app and in live classes too. You can talk to teachers, ask questions, and understand every concept easily. Imagine having your own quizzes to practice any topic you want. We also have a special place to show you all your mistakes so you can practice and avoid them in the exam. And guess what? We'll help you create a study plan. Our experienced teachers will guide you and you can join group sessions to learn how to manage your time better. It'll help you with homework, revision, and catching up on anything you've missed. So, students and parents, are you excited for this amazing journey with Alan?